बड़ी खाटू के संत कबीरदास आश्रम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर संत नानकदास जी महाराज के द्वारा भव्य कबीर जयंती प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है और आज कबीरदास जी महाराज की 618वीं जयंती मनाई जा रही है। सन 1398 में कबीरदास जी महाराज का जन्म एक जुलाहा परिवार में हुआ था और निश्चित रूप से एक साधारण परिवार में जन्मकर उन्होंने वो बुद्धिमत्ता पाई थी, वो ज्ञान पाया था जिसके माध्यम से उन्होंने पाखंड का खंडन किया था। अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आत्मज्ञान था और उन्होंने ऐसे ऐसे दोहे लिखे जो आज हर व्यक्ति से जुड़े हैं, जो हमारे अंदर जो बुराई है उनको सहजता से वो बताते हैं और उनको दूर करने की बात कहते हैं। अगर एक दोहे की बात करें तो ये दोहा भी कहा जा सकता है, एक बड़ा भया तो क्या भया जैसे पिंड खजूर। तो अगर आप सब जानते हैं कि जो खजूर का पेड़ होता है बहुत ऊंचा होता है, फल लगते हैं लेकिन काफ़ी दूर होते हैं, अगर हमें सहजता से नहीं मिले तो ज्ञान ऐसा किस काम का, अगर ज्ञान है हम दूसरों को प्रदान नहीं करते हैं। तो इस तरह से कबीरदास जी की जो वाणी है, कबीरदास जी को शब्द है, पंजाबी लोग हैं वो भी उनके शब्द ज्ञान को बहुत आस्था के साथ सुनते हैं। आज तुलसीदास जी के समकक्ष कोई अगर कवि की हम बात करते हैं, संत की बात करते हैं, तो उसमें कबीरदास जी का नाम आता है। मैं इस समय आपको बड़ी खाटू के उस स्थान का दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पर नानकदास जी महाराज जल संरक्षण का कार्य करते हैं, सामाजिक समरसता का कार्य करते हैं और नशा मुक्ति कार्य करते हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल निर्जन स्थान है जहाँ पर कुछ भी नहीं था, और जब नानकदास जी महाराज यहाँ पर आए थे तो एक बिल्कुल जंगल था और यहाँ पर वो जल संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र को हरा भरा बनाने का प्रयास करें, यानी पर्यावरण को बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश काफ़ी कम होती है और अच्छी बारिश हो इसके लिए ज़रूरी है कि पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण बढ़ाएं, और निश्चित रूप से वो इस कार्य क्षेत्र में कार्य करें। एक समस्या और भी है, आप देख रहे हैं ये जो पीछे आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर खनन का कार्य भी हो रहा है और आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल भी आ रहे हैं और ये कार्य जो हो रहा है अवैध रूप से हो रहा है, इन पर प्रतिबंध है। लेकिन हमारे देश में कानून तोड़ने की लोगों को आदत बन गई है, अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से नानकदास जी महाराज का जो अभियान है उस पर भी ब्रेक लग सकता है। और आज के इस गुरु कबीरदास जयंती पर ये कार्य भी देखना होगा कि इस जो अवैध काम इसको रोका कैसे जा सकता है, इससे प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। कबीरदास जी के कुछ दोहे बहुत सुंदर हैं जो हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं। एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल कहे आपहु शीतल होए। अगर हम अच्छी मीठी वाली बोलेंगे तो हमें खुद को उसका सुख मिलेगा और सुनने वाले को भी सुख मिलेगा। ये ऐसे दोहे हैं जो निश्चित रूप से हमें बहुत सारा ज्ञान भी देते हैं। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, एक दोहा ये भी है, क्योंकि आज मनुष्य दोहरी ज़िंदगी जीता है, एक और अच्छा दिखने का प्रयास करता है लेकिन हमारे अंदर इतनी ज़्यादा बुराई है। जैसे रात्रि को बालक नाजी महाराज कह रहे थे कि मैं अपनी कमियों को दूर करने के लिए, अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर सहज संत इस तरह की बातों को सहजता से स्वीकार करते हैं तो हमें भी स्वीकार करना चाहिए कि आज हम पाखंड भरी ज़िंदगी को जी रहे हैं, हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखकर लोगों की बुराइयों को देख रहे हैं। और आज के इस परिवेश में कबीरदास जी के दोहों का बहुत बड़ा महत्व है। आज उनकी जो जयंती मनाई जा रही है वो तभी सार्थक है जब हम उनके दोहों पर अमल करें और एक सत्यता की जीवन को जीने का प्रयास करें। बड़ी खाटू के कबीर दास संत आश्रम का दृश्य आप देख रहे हैं, ठीक पीछे वो मंच आप देख रहे हैं जहाँ पर आज का ये सामाजिक समरसता का कार्यक्रम होगा, जिसमें नशा मुक्ति की बात होगी, पर्यावरण की बात होगी, सामाजिक एकता की बात होगी। अगर इस कार्यक्रम में बड़े शख्सियत की बात करें तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल आ रहे हैं, और इस व्यक्ति को अगर पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यक्ति कहा जाए देश में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक और जहां बड़े बड़े मंत्री हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, विलासिता भरी ज़िंदगी जीते हैं, वहीं अर्जुन जी मेघवाल आप जानते हैं साइकिल से संसद तक का अपना मार्ग तय करते हैं और पूर्व IAS रहे हैं। मुझे याद है जो जिला कलेक्टर थे उनसे बहुत बार बातचीत करने का मौका मिला, लेकिन राजनीति में आने के बाद में, मंत्री पद पर आने के बाद भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी वो इस सहजता से अपने जीवन को व्यापन करें, उसने इस सहजता से ज़िंदगी को जी रहे हैं। यहाँ पर भी कबीरदास जी की बात सार्थक होती है, क्योंकि हम थोड़ा सा कुछ मिल जाने के बाद अपने को बदल लेते हैं, हम घमंड में चूर हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन जी मेघवाल इस बात को बता रहे हैं। एक दलित परिवार में जन्मा एक व्यक्ति जो IAS बना और उसके बाद में सांसद बनकर देश के एक बहुत बड़े पद पर पहुँचा है, ये निश्चित रूप से आज हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायी विषय हो सकता है। रात्रि में जो संत यहाँ पर पधारे, बालकनाथ जी महाराज, वो कितने सहज थे, सहजता के साथ वो गायों की सेवा करते हैं, लगभग 8000 से ज़्यादा सामूहिक विवाह कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि
आज विवाह शादियों में जिस तरह से खर्चा बढ़ता जा रहा है, हम बहुत ज़्यादा खर्च को दिखावा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अगर इस तरह के कार्य किए जाएँ तो ऐसे संत और ऐसे नेता हैं वो हमें बहुत सारे ज्ञान देते हैं। और निश्चित रूप से नानक दास जी महाराज का आज का ये कार्यक्रम एक सार्थक कार्यक्रम है, जिसमें ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो हमें बहुत सारी प्रेरणा दे रहे हैं। इस व्यक्तित्व को, इस संत को हम नमन करते हैं। अगर वास्तव में कोई संत है तो वो नानक दास जी है, क्योंकि जो खुद संताप में जीता उसको संत नहीं कहा जा सकता है। जो दूसरों के संताप को हटता है वही सही मायने में संत है। और एक निर्जन स्थान में आपने संत नानक दास आश्रम की स्थापना की, जब यहाँ पर कोई जीव आने से खतरा था, वैसे समय में आप यहाँ आकर विराजे। और आज यहाँ पर जंगल में मंगल की कहावत चरितार्थ होती है। आप सर्वधर्म सामाजिक समरसता की बात करते हैं, पर्यावरण नशा मुक्ति की बात करते हैं, और निश्चित रूप से लोगों के जीवन को आपने बदलने का प्रयास किया है। काफ़ी हद तक आप सफल भी रहे हैं। और आज कबीरदास जी महाराज की 618वीं जयंती आपके सानिध्य में मनाई जा रही है, जिसमें देश के अनेक संत और अनेक नेतागण पधार रहे हैं, जो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए एक बहुत गौरव का विषय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुष्पों की रंगोली सजाई गई है मेहमानों के स्वागत में। नागौर जिले के बड़ी खाटू का दृश्य आप देख रहे हैं, संत कबीर आश्रम का। और ये पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर स्थल है, ये नानक दास जी महाराज के गुरुजी का स्मारक है। और आप ही के पदचिन्हों पर आज संत नानक दास जी महाराज चल रहे हैं। आज मौसम भी बहुत सुहाना है, रात्रि से बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद में मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और ऐसे मौसम में मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है, अति भला न बरसना, अति भली न धूप, अति भला न बोलना, अति भला न चुप। यानी ज़्यादा बरसना भी अच्छा नहीं, ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं और ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं, कि उसमें भी नुकसान हो सकता है। कबीरदास जी के दोहे हर जगह चरितार्थ हो रहे हैं, हर जगह हमें ज्ञान और शिक्षा दे रहे हैं। ये स्मारक स्थल आप देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ ही देर में मेहमान गणाएंगे, अर्जुन जी मेघवाल जो पधारेंगे, गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा के साथ उनको कार्यक्रम स्थल पर लाया जाएगा। बहुत ही सुंदर स्मारक आप देख रहे हैं नानक दास जी महाराज के गुरु जी का, श्री श्री 1008 संत देवीदास जी महाराज का ये स्मारक आप देख रहे हैं, जो कि संत नानक दास जी महाराज के गुरु जी कच्छप की पीठ पर ये स्मारक बनाया गया है। बहुत सुंदर और बहुत कलात्मक है ये। कोई मकराना से आया, कहीं से कहीं से आगे, वो पांच के समय अर्जुन जी मेघवाल कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। संत नानक दास जी और डीडवाना तहसीलदार जी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, उनके स्वागत पे पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में संत प्रमोद जी महाराज और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल पधारने वाले हैं। और ये आश्रम का प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं, हाईवे पर वो उतरेंगे और यहाँ पर अनेक लोग आप देख उनके स्वागत में पहुँचे हैं, और यहाँ से उनको गाजे बाजे से ले जाया जाएगा समारोह स्थल पर। आप देख रहे हैं इस गाड़ी में कल्याणकारी पंत महामंडलेश्वर स्वामी जसमेर कल्याणकारी जी महाराज पधार रहे हैं। स्वामी नानकदास जी महाराज आप देख रहे हैं, स्वामी जसमेर कल्याणकारी जी महाराज का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। संत समागम में संतों का आगमन हो रहा है, और इसमें आप देख रहे हैं कल्याणकारी संघ महामंडलेश्वर स्वामी जसमेर कल्याणकारी जी महाराज का सभी स्वागत कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, और साथ में महंत नानकदास जी महाराज को भी आप देख रहे हैं। अधिकारीगण पधार रहे हैं और स्वागत हो रहा है। परिवहन मंत्री यूनिस खान जी के पीए पधारे, उनका स्वागत हो रहा है। कबीरदास जी महाराज की 618वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित संत समागम में संतों का आगमन हो रहा है, और इसमें आप देख रहे हैं कल्याणकारी संघ महामंडलेश्वर स्वामी जसमेर कल्याणकारी जी महाराज का सभी स्वागत कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं स्वामी जसमेर कल्याणकारी जी महाराज। बड़ी खाटू का दृश्य आप देख रहे हैं, संत कबीर दास जी महाराज की 618वीं जयंती मनाई जा रही है। अब हम हाईवे पर पहुंच चुके हैं, और इस हाईवे पर कुछ ही देर में अर्जुन जी मेघवाल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पधारने वाले हैं। अभी आप देख रहे थे राष्ट्रीय संत पधारे हैं, जिनको आप अनेक चैनल की डिबेट में देखते हैं,
बहुत अच्छे प्रखर वक्ता है और आज वो प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पर भाग ले रहे हैं और यहाँ पर स्वयं नानक दास जी महाराज और यूनुस खान जी के पीए भी पहुँच चुके हैं और अनेक भक्त अब यहाँ पर अर्जुन जी मेघवाल का इंतजार करें उनके स्वागत में। ये आप देख रहे हैं रथ पहुँचा है और रथ में बिठा कर अर्जुन जी और प्रमोद जी महाराज को कबीरदास आश्रम ले जाया जाएगा जहाँ पर ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित होगा। इस गाड़ी में स्वामी जसमेर कल्याणकारी जी महाराज पधारे हैं, महामंडलेश्वर जी ग्रह प्रमोद जी महाराज पधार चुके हैं यहाँ पर और संत नानक दास जी महाराज स्वागत कर रहे हैं पुष्पहार पहनाकर। दो संतों का मिलन आप देख रहे हैं यहाँ पर। अनेक बार आप टीवी पे इनको देखते हैं, अनेक डिबेट में आप देखते हैं और भक्तगण आप देख रहे हैं और अब प्रमोद जी महाराज नानक दास जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं पुष्पहार पहनाकर। खाटू धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। बड़ी खाटू में संत कबीर जयंती के उपलक्ष्य में संतों का आगमन हुआ है और भक्तगण आप देख रहे हैं स्वागत सम्मान कर रहे हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल भी पधारने वाले हैं। नानक दास जी महाराज के प्रयासों से आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संतों का आगमन खाटू में हुआ है। प्रमोद जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं भक्त। आप देख रहे हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल पहुंच रहे हैं। एस्कॉर्ट की गाड़ी आप देख रहे हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल आप देख रहे हैं बड़ी खाटू पहुंच चुके हैं। बड़ी खाटू पदने पर आप देख रहे हैं नानक दास जी महाराज मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल का आगमन हुआ है और तमाम लोग आप देख रहे हैं मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। बड़ी खाटू का दृश्य आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया जा रहा। नानक दास जी महाराज पगड़ी पहना रहे हैं। भारत के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल बड़ी खाटू पहुंचे हैं। जोरदार स्वागत आप देख रहे हैं बड़ी खाटू में किया जा रहा है नानक दास जी महाराज और अब रथ में विराजमान हो रहे हैं मंत्री जी। भारत के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल बड़ी खाटू पहुंचे संत कबीरदास जयंती समारोह में भाग लेने के लिए। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मंत्री जी और संत सभी रत्न सवार हो गए हैं। बड़ी खाटू का दृश्य आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं मंत्री जी का और संतों का सम्मान रत्न बैठा कर किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं लोग साथ में हैं। बहुत ही भाव बिना स्वागत सम्मान आप देख रहे हैं बड़ी खाटू में मंत्री जी का क्या जा रहा है। रथ में बैठकर अर्जुन जी मेघवाल और सोनीपत के संत कबीर आश्रम जा रहे हैं। बड़ी खाटू के सदगुरु कबीर आश्रम में आयोजित कबीरदास जी की 118वीं जयंती पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल पधारे हैं और गाजे बाजे के साथ रथ में बैठकर वो कबीर आश्रम जा रहे हैं।
बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। हमारे अच्छे नेताओं के प्रति लोगों के सम्मान का एक जज्बा आप देख रहे हैं। तमाम लोग आप देख रहे हैं मंत्री जी के साथ चल रहे हैं। गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं मंत्री जी के साथ। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। लोकतंत्र में नेताओं के प्रति सम्मान का एक भाव। अगर नेता ईमानदार हो, अच्छा हो, तो लोगों के मन में सम्मान होता है, श्रद्धा होती है और वो पलकों में बिठाते हैं, रथ में बिठाते हैं। आप देख रहे हैं अर्जुन जी मेघवाल को रथ में बैठाकर संत कबीरदास आश्रम ले जाया जा रहा है, जहाँ पर कबीर जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। बड़ी खाटू का दृश्य आप देख रहे हैं। और कबीरदास आश्रम अब मंत्री जी पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं लोग धक्के लगा रहे हैं मंत्री जी के रथ को। ये है नेताओं के प्रति भी सम्मान का जज्बा। रथ ऊंचाई पे चढ़ रहा है और लोग धक्का लगा रहे हैं रथ को, क्योंकि स्वयं नानक दास जी महाराज भी रथ में विराजमान हैं। और अब आप देख रहे हैं सदगुरु कबीर आश्रम में रथ पहुंच रहा है मंत्री जी का। संतगण और मंत्री जी आप देख रहे हैं, और मंत्री जी के स्वागत के लिए आप देख रहे हैं कितनी सुंदर व्यवस्था है। महिलाएं मंगल कलश लेकर आई है, पूजा का थाल लेकर आई है। बहुत ही भाव बिना स्वागत यहां पर होगा हमारी वैदिक पद्धति से। और मंत्री जी आप देख रहे हैं आश्रम पहुंच गए हैं, साथ में जसवीर कल्याणकारी जी महाराज भी हैं। और आप देख रहे हैं आश्रम पहुंचने पर नानक दास जी महाराज स्वागत कर रहे हैं और मंत्री जी की आरती की जा रही है, पूजा की जा रही है। भैया साइड में जा। जसवीर कल्याणकारी जी महाराज देख रहे हैं साथ में हैं, और संत नानक दास जी महाराज का भी स्वागत हो रहा है। और नानक दास जी जसमीर कल्याणकारी जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। सतगुरु कबीरदास आश्रम का दृश्य आप देख रहे हैं। स्मारक स्थल पर सबसे पहले पहुंच रहे हैं और नानक दास जी महाराज की गुरु की समाधि पर आ रहे हैं, स्मारक पे आ रहे हैं और गुरुदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, मस्तक नवा रहे हैं। अर्जुन राम जी मेघवाल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं और माताओं बहनों और सब भाई लोगों को अर्ज करूं कि आप जसमीर कल्याणकारी जी महाराज भी आप देख रहे श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अपने बीच रमाई ने करुण जी आप घने-घने मानसू में हार्दिक स्वागत करूं। अब आप देख रहे हैं मंच पे मंत्री जी का आगमन हो रहा है। माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब कबीर आश्रम में पधारिया, आप हमें घने घने मान से हार्दिक स्वागत करूँगा। और मंच पर अतिथिगण मंचस्थ हो रहे हैं। 618वीं सतगुरु कबीर जयंती प्रकट्य महोत्सव के मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल आप देख रहे हैं मंच पर पधार चुके हैं, और साथ में कल्याणकारी जी महाराज जो हरियाणा से पधारे हैं। स्वामी जी कबीर प्रमोद जी महाराज का भी मंच पे आगमन हो रहा है। अर्जुन जी मेघवाल जो कि प्रमोद जी महाराज को गुरु भी मानते हैं अपने गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं मंच पर। बड़ी खाटू के सतगुरु कबीर आश्रम में कबीर जी महाराज की जयंती प्रकट महोत्सव कार्यक्रम के अतिथियों का दृश्य आप देख रहे हैं। मंच पे एक दूसरे का स्वागत सम्मान संत कर रहे हैं।
आप देख रहे हैं संत बालकनाथ जी महाराज अर्जुन मेघवाल का सम्मान कर रहे हैं। बालकनाथ जी महाराज का पावन आगमन मंच पे हुआ है। तमाम अतिथिगण मंचास्थ हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार और राजस्थान सदगुरु कबीर आश्रम बड़ी खाटू में आप देख रहे हैं मंत्री जी का आगमन हुआ है। माँ मंडेश्वर स्वामी जसमेर जी महाराज कल्याणकारी पंथ दिल्ली से पधारे हैं और मेघपीठाधीश्वर मंत्री आचार्य श्री प्रमोद कृष्ण जी महाराज भी आप देख रहे हैं मंच पे आसन है। एक पीठाधीश्वर मंच श्री नानगांव जी महाराज सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान जो कि स्वागत है देख से आज के कार्यक्रम के। बड़ी खाटू का दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर संत कबीरदास जी की 618वीं जयंती मनाई जा रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल इस समय आप देख रहे हैं मंच पे विराजमान है। साथ में संतों का सानिध्य इस कार्यक्रम को मिल रहा है। एक ऐसे नेता जो बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता है और आडम्बर से दूर है, ऐसे व्यक्ति का आगमन कबीरदास जी की जयंती पर एक सार्थक आगमन कहा जा सकता है। और तमाम अतिथियों का सम्मान आप देख रहे हैं यहाँ पर नानकदास जी महाराज ने किया है। अब यहाँ पर तमाम संत महात्माओं का और अतिथियों का स्वागत सम्मान किया जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में भक्त आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। सदगुरु कबीरदास जी महाराज की 618वीं जयंती मनाई जा रही है। अब जोरदार तालियां से स्वागत, जोरदार तालियां से। अपने की धरती में जन्मिया अपन नागौर जिला ना जो नागौर जिला को थोड़ा आशीर्वाद है आपने बीकानेर आप क्षेत्र में विराजा करे और कई बार आप दर्शन कर लो मौको मिले। मैं तो कही है कि राजस्थानी तो आवाज उठा भाई उठा होते राजस्थानी में तो बोल लो क्या दो है आप बताऊ के मारवाड़ जारी मनवार करे मारवाड़ जारी मनवार करे तो जोधपुर जगह दरबार करे तो शिरोही जारी तलवार करे घर घर में यही चर्चा है कि गंगा जगह वीर कटे अर्जुन जगह तीर कटे तो तेजोजी जरा वीर कटे रे भाई तेजोजी जरा वीर कटे रे भाई जोरदार तालियां से स्वागत। एक विधि है एक तो बेज है बेज एक साफो अपने मारवाड़ और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है। संत कबीर आश्रम का बेच लगाकर सम्मान किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार आप लोग भयं गणमान्य सुन संत श्री नानक दास जी महाराज कबीर आश्रम रो माने मारवाड़ी परंपरा है अतिथि सम्मान सत्कार हो रहा है और आप देख रहे हैं पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। अब कहिए कि बोलिए बुढ़ा हो आई से कहना कहिए अभी क्या अर्जुन जी मेघवाल का सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। और आप ही मेघवाल साहब लोग माला पहनाकर स्वागत करवा और अब आप देख रहे हैं मारवाड़ की पहचान ये पचरंगी पगड़ी पहनाई जा रही है मंत्री जी को बहुत ही भाव बिना स्वागत हो रहा है। सदगुरु कबीर आश्रम के महंत नानक दास जी महाराज मंत्री जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। भारत की राजनीति में अलग पहचान रखने वाले एक नेता का सम्मान हो रहा है एक संत के आश्रम में। आप देख रहे हैं किलंगी लगाई जा रही है। मैं आपको बताऊं सुबह के आप मंच थोड़ा नीचे पधारो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार कबीर जयंती महोत्सव में आप लोग बहुत ही भाव बिना स्वागत किया गया है मंत्री जी का आप देख रहे हैं। आप प्रधान लोंगोर जी भी आप देख रहे हैं कार्यक्रम पधार चुके हैं। उत्तर प्रदेश आपने स्वागत में वास्ते मैं मोती खान आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज कल की पीठाधीश्वर का सम्मान किया जा रहा है और आश्रम का बेच लगाया जा रहा है। सबसे पहले और नानक दास जी महाराज बेच लगा रहे हैं। आपने बिल्कुल अब आप देख रहे हैं मारवाड़ की पहचान ये सपा ये पगड़ी पहनाई जा रही है। बुजुर्ग गण भी आप देख रहे हैं संतों का सम्मान कर रहे हैं। बहुत ही प्रखर वक्ता है और अनेक चैनल के डिबेट में आपके दर्शन होते रहते हैं। सरलता सादगी आप क्या
एकदम आशीर्वाद देव ने एकदम मारवाड़ी धरती मध्य राजस्थान आगुचा दामपीटा दिवसर बालकनाथ जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। श्री का सानिध्य कल रात्रि से मिल रहा है। आप ही स्वामी जी मोहना सोनीपत स्वागत सम्मान बालकनाथ जी महाराज का किया जा रहा है। बहुत ही सरल हृदय संत हैं और महान गौ सेवक हैं और अनेक लोगों की पीड़ा को हरा अपने भीलवाड़ा आगुचा धाम से पधारे हैं और अब आप देख रहे हैं नानक दास जी महाराज पगड़ी पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। मिशन चूक में जसमीर कल्याणकारी जी महाराज अपने बीच में पधारिया हरियाणा और सोनीपत हरियाणा से पधारे जसमीर कल्याणकारी जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। सदगुरु कबीर आश्रम के महंत नानक दास जी महाराज सम्मान कर रहे हैं। संतों का सम्मान किया जा रहा है। ऐसे संत की जयंती मनाई जा रही है जिन्होंने पाखंड का खंडन किया। ऐसे संत की जयंती पर अनेक संत गणमान्य लोग पधारे हैं। संत दशमेर कल्याणकारी जी महाराज का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। भगवा पगड़ी पहने वाले संत के मस्तक पर ये पचरंगी पगड़ी बहुत सुंदर लग रही है। रामधन जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। रामधन जी महाराज मेघवंशी पुरानी धाम डीडवाना से पधारे हैं। अब आप देख रहे हैं या नानक दास जी महाराज रामधन जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं पगड़ी पहनाकर। संतों का सम्मान ये हमारी परंपरा है। कन्हैयालाल जी बेरवा का सम्मान किया जा रहा है। मारुति में मैनेजर हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में बेरवा जी का सम्मान किया जा रहा है और संत नानक दास जी महाराज बेरवा जी को पगड़ी पहना रहे हैं। माननीय विनु सांसद अपन बीच में पधारता बीएल भाटी जी का सम्मान किया जा रहा है। परिवहन मंत्री यूनुस खान जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं। व्यस्तता के कारण राजस्थान के परिवहन मंत्री यूनुस खान जी नहीं पधार सके हैं। टाइल के पूर्व प्रधान रिदगंज जी लोमरोड का सम्मान किया जा रहा है और नानक दास जी महाराज पगड़ी पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। बीडी चरण जी सम्मान कर रहे हैं। सुरेंद्र जी पोमार का सम्मान किया जा रहा है विशिष्ट अतिथि के रूप में और नानक दास जी महाराज पगड़ी पहनाकर पोमार साहब का सम्मान कर रहे हैं। छोटू राम जी रेणवा का सम्मान किया जा रहा है। जन प्रतिनिधियों का सम्मान हो रहा है जो कार्यक्रम पधारे हैं। जयल एबीओ जगदीश प्रसाद जी का सम्मान किया जा रहा है। जयल एबीओ जगदीश प्रसाद जी का सम्मान नानक दास जी महाराज कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट डीडवाना सत्यपाल जी सरण का सम्मान किया जा रहा है जो कि कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं। सत्यपाल जी संधूराम जी बांबू पर्यावरण और अब उस संत का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने ये दिव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। संत नानक दास जी महाराज का सम्मान पूरा मंच कर रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल और संतों के द्वारा नानक दास जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। और आप सब माता बहनों सगड़ो आशीर्वाद लेते थे संत श्री नानक दास जी महाराज नमस्ते जोरदार एक बार बोलिए कबीरदास जी महाराज की। नानक दास जी महाराज का सम्मान किया गया है।
तमाम संतों के द्वारा, तमाम अतिथियों के द्वारा संत नानक दास जी महाराज का सम्मान किया गया है। निर्जन स्थल में एक सुंदर आश्रम का निर्माण करने वाले पर्यावरण प्रेमी नानक दास जी का सम्मान किया गया है। इंताराम जी बाबू सम्मान कर रहे हैं, तमाम लोग नानक दास जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम लोगों ने एक दिव्य संत का, एक सरल हृदय संत का सम्मान किया है। संत सदगुरु कबीरदास आश्रम के महंत जी का सम्मान हुआ है। बड़ी खाटू का दृश्य आप देख रहे हैं। संत कबीर आश्रम है जहाँ पर नानक कबीरदास जी महाराज की 618वीं जयंती मनाई जा रही है। अब सदगुरु कबीर आश्रम के एक फोल्डर का विमोचन किया जा रहा है जिसमें इस आश्रम की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है और आगे की योजना के बारे में बताया गया है। आप देख रहे हैं 618वीं सदगुरु कबीर जयंती प्रागट्य महोत्सव की स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है अतिथियों के द्वारा। नागौर जिला की धरती पर और खाटूरी धरती पर मैं हार्दिक स्वागत करूं। आप सब सुबह मारवाड़ी पे तमाम अतिथिगण आप देख रहे हैं स्मारिका का विमोचन कर रहे हैं 618वीं सदगुरु कबीर जयंती की। भारत के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के कर कमलों से आप देख रहे हैं स्मारिका का विमोचन किया गया है। के उपलक्ष्य में विशाल सर्वधर्म सम्मेलन, पर्यावरण, नशा मुक्ति, सामाजिक सुधार, सामाजिक समरसता का यह कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जिसमें आज इस कार्यक्रम के इस विश्व स्तरीय कार्यक्रम के इस मंच पर हमारे आदरणीय पूजनीय हमारे देश के सम्राट आज के मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि आप बड़ी दूर से चल करके और पूरे भारत के कार्यक्रम के दूसरे कार्यक्रम छोड़ करके आज यहां पधारे हैं और ये कार्यक्रम पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में दिखाया जाएगा कि आज कबीर जयंती का जो कार्यक्रम हो रहा है वो खाटू में वित्त मंत्री महोदय जी के द्वारा कर कमलों से स्मारक का विमोचन और आपको कई प्रकार की जानकारी बताएंगे। इसी कार्यक्रम में आज के अति विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में आदरणीय प्रमोद जी महाराज, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज, कल के पीठाधीश्वर संबल उत्तर प्रदेश, हमारे जगत गुरु बाबा बालकनाथ जी महाराज आगूचा धाम भीलवाड़ा, हमारे अभी अभी जो नए हमारा परिचय हुआ है हमारे कबीर साहब की परंपरा के और बहुत अच्छे पार्लियामेंट में जाकर के कबीर साहब के ऊपर विचार विमर्श करने वाले, गोष्ठी करने वाले हमारे बीच में कल्याणकारी पंत महामंडलेश्वर स्वामी जसमेर कल्याणकारी जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी बीच में हमारे जो सड़क का काम हुआ है माननीय यूनुस खान मंत्री जी, आपकी तरफ से आज के प्रतिनिधि रूप में हमारे आदरणीय बीएल भाटी साहब आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये रोड जो देख रहे हैं, ये जगह जो देख रहे हैं, इसका विकास का जो कार्य हुआ है हमारे इन्हीं के भाटी साहब के सहयोग से हुआ, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारे इस कड़ी में मारुति कंपनी, मारुति सुजुकी कंपनी गुड़गांव हरियाणा से आप पधारे हैं, आने तो चाहिए थे राजू जी, उनसे बात हुई थी लेकिन उन्होंने आपको प्रतिनिधि के रूप में गुड़गांव हरियाणा आप यहां पधारे। मैनेजर साहब कन्हैयालाल जी बेरवा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे मेघवंशी जी महाराज, हमारे प्रधान जी और सुरेंद्र जी, आप सबका मैं पूरे मंच का हार्दिक स्वागत सम्मान करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं का, सभी भक्तों का आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इस अवसर पर आप यहां पधारे और आज एक बहुत बड़ी घोषणा यह बड़ी खाटू में क्षेत्र में होने जा रही है और वो बातें आपको हमारे कल्याणकारी पंत महामंडलेश्वर हमारे परमेश्वर कबीर साहब की परंपरा के स्वामी जस मेर कल्याणकारी जी महाराज आपको बताएंगे और उस पर मोहर हमारे कुबेर भगवान पधार चुके हैं वो लगा देंगे। सुबह सुबह मेरी सियार साहब से बात हुई तो सियार साहब को मैंने बोला साहब आप पधारो, तो उनके कोई विशेष कारण से एमपी चले गए, वहाँ किसानों का मामला है, तो उन्होंने कहा महाराज मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मैं इस पर नहीं आ सकता, मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरी शुभकामना है अच्छा काम करो। तो मैंने उनको एक प्रस्ताव रखा था पिछली बार अपने यहाँ कबीर सरोवर का जब शिलान्यास हुआ था कि एक कबीर कीर्ति स्तंभ यहाँ बनाया जाए, विश्व स्तरीय कबीर कीर्ति स्तंभ जो आज तक भारत में कहीं बना ही नहीं है, विदेशों में ही नहीं बना, तो भारत में नहीं तो विदेशों में कौन बनाएगा, तो वो कीर्ति स्तंभ अपने यहाँ खाटू में बने तो बहुत अच्छा नाम होगा, आपका लोकसभा क्षेत्र है।
तो उन्होंने कहा महाराज मैंने तो कागज पत्र कार्रवाई करके सरकार को भेज दिया है, अब मेरे भाई कुबेर भगवान आपके पास में आ रहे हैं, जो मांगना है वो मांग लेना, जो करवाना है करवा लेना, हमारी तरफ से तो पूरी पूरी छूट है। और साहब यहाँ विराजमान है, आप पधार चुके हैं और कबीर साहब के नाम से इस भारत में पूरे विश्व में मोदी जी का बहुत बड़ा सोच लेकर के आप पधारे हैं, आपके सामने आप सुनेंगे समझेंगे। मैं पूरे बड़ी खाटू छोटी खाटू धीसपुरा स्टेशन पूरे ग्रामवासियों की ओर से मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। स्वामी जसमेर जी कल्याण जी महाराज आपने अर्ज करूं कि आप आशीर्वाद दिलाओ। हरिओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुखे भाग् भवे। हे ईश सब सुखी हो धन धान के भंडारी सब हो निरोगी भगवन कोई ना हो दुखारी कोई ना हो दुखारी। ओम शांति 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 ओम। आज के इस परम अवसर पर सबसे पहले परम पूजनीय बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब जी महाराज के चरणों में मैं सबकी तरफ से सम्माननीय शीश झुकाता हूं और उसके बाद आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन जन के प्रिय जनता के सच्चे हितैषी और आपके बीच में दुख सुख के साझीदार रहने वाले आपके राजस्थान नहीं अपितु पूरे देहात की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी और उनके साथ में विराजमान आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है और हमारे हिंदू धर्म में हमारे आने वाले अवतार की आओ भगत में उनके स्वागत में अभी से आचार्य जी ने जो तैयारियां की हैं वो आज हमारे बीच में मानव के कलंक के अवतार जी के ही अवतार हमारे बीच में विराजमान है ऐसा मैं महसूस करता हूं। और उनके साथ में विराजमान बाबा बालकनाथ जी जिनके चर्चे जिनके सामाजिकता के काम की दुनिया में लोग जानते हैं देहात में भी लोग जानते हैं और उनके साथ में राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री बी.एल. भाटी जी मौजूद हैं और जिन जिनको मैं जान पा रहा हूं सुरेंद्र पवार जी बीच में हैं, यानी कि पूरे मंच का मैं स्वागत करता हूं, इस जनता की तरफ से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और उसके बाद आज का जो ये कार्यक्रम चल रहा है आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आज का जो ये जन्म उत्सव मनाया जा रहा है 618वां सतगुरु कबीर जी का इतिहास में ये पहला दिन है। आज ऐतिहासिक दिन है कि आज तक इस धरा पर सतगुरु कबीर जी का जो जन्म दिवस है वो राज की आज्ञा से सरकारी तौर पर पहला जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ये विशेष और ऐतिहासिक पल हमारे बीच में है, पहला जन्म दिवस। और इस कार्य को संपूर्ण करने में माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने जितना सहयोग दिया जितना अथक प्रयास किया, जितना बताऊं उतना थोड़ा होगा, मेरा समय कम हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी के नॉलेज में जब गया तो कबीर जी का मानो ये प्रतिनिधित्व ही करते हो। संत कबीर नगर के लोकसभा क्षेत्र सर त्रिपाठी जी ने संसद पटल पर इस बात को रखा, हम लोगों ने कबीर पंथ संतों से लिखवा कर वहाँ पर दिया कि जितने भी कबीर मत पर चलने वाले संतों के जन्म स्थान निर्वाण स्थान हैं बड़े भव्य कृति स्थल बन चुके हैं, लेकिन कबीर जी के निर्वाण स्थल पर एक व्यक्ति रुकना चाहे तो रुकने का स्थान भी उपलब्ध नहीं है, ऐसा हमने महसूस किया। और केंद्रीय मंत्री जी के नॉलेज में जब ये बात पहुंची तो माननीय महेश शर्मा जी ने उसके ऊपर लिखित में आश्वासन दिया और मोदी जी ने उसको पढ़कर एक झटके में कहा कि कबीर जी के ऊपर आप करेंगे ऐसा नहीं, कबीर जी के लिए कर दिया ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद सरकार का धन्यवाद करने के लिए 16 अक्टूबर 2016 को मगहर में कार्यक्रम रखा गया जिसमें माननीय अर्जुन राम मेघवाल मंत्री जी पहुंचे, माननीय महेश शर्मा जी पहुंचे, सभी कबीर पंथ के लोगों ने इस बात को रखा कि आपके ध्यानार्थ ये स्थिति है। तो अर्जुन राम मेघवाल जी ने
महेश शर्मा जी को कहा कि मैं खजाने का मालिक हूं और मोदी जी ने मुझे कहकर भेजा है कि कबीर जी के लिए सब कुछ क्यों ना हो, और संसद में आपने घोषणा कराई कि कबीर जी के नाम पर एक समृद्धि स्थल बनेगा, कल्चरल सेंटर बनेगा और कुशीनगर, गोरखपुर और मगहर को, इस तीनों को ऊपर उठाने के लिए आपने वहां पर 80 करोड़ रुपए घोषणा की जिसे कबीर जी का समृद्धि स्थल बनाया जाए, और उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी सरकार को। 29 दिसंबर को आपने 30 करोड़ की पहली किस्त वहाँ पर जारी भी कर दी, जो कार्य हो रहा है। का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा ताका नाम कबीर, जो पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न हर करता नहीं ताका नाम कबीर। और हम लोगों ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि पूरी दुनिया में केवल एक ही तो शख्सियत है जिसके बल पर, जिसके विचारों के बल पर युवनों टिका हुआ है, जो हर जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर बोलते रहे के लिए बोलते रहे, ऐसे सतगुरु कबीर जी का हम जन्म दिवस मना रहे हैं। तो मैं सबका बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा और सतगुरु कबीर जी की कुछ वाणियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। सतगुरु कबीर जी गुरु के ऊपर बोलते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि परिणाम, कीटन जाने भ्रंग को वो कर ले आप समान। महिमा होती है वो अपने समान बना लेता है मरे हुए को, जैसे कीट उठा ले जाता है। और कबीर जी कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, जो सत्संग में आने के बाद कबीर जी के विचारों पर चलने के बाद जो पार होना चाहता है, तो कबीर जी उसके लिए कह रहे हैं, गुरु को सिर पर राखिए, अरे चलिए आज्ञा मां, कहें कबीरता दास को तीन लोक डरना। तीर की कबीर जी करें, गुरु की भूमिका क्या है? आप संतों के दर्शन करते आते हैं, संतों के आश्रम में आते हैं, संतों की आव भगत करते हैं, तो गुरु की भूमिका क्या हमारे जीवन में है? कबीर जी कह रहे हैं, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा अरे साबुन सृजन हार। जैसे धोबी कपड़े को पीट पीट कर सवारता है, सुरत से ला पर धोई ये निक्षे गम अपार। तो गुरु में वो ताक, गुरु हमेशा भलाई के लिए करता है। तो सतगुरु कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ का देखो अंतर हाथ सहार का बाहर बारे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा बनाते समय एक हाथ अंदर रखता है और दूसरा ऊपर से चोट मारता है, ये सतगुरु कबीर जी की ये शिक्षा और दीक्षा है, जिसके बल पर ये समाज बनाया जा सकता है, ये व्यक्ति बनाया जा सकता है, ये जीवन सवारा जा सकता है। ये इस तरह से सतगुरु कबीर जी कहते हैं कैसे लोगों को उनके पदों पर चलना चाहिए, जो चलकर इन बारियों को खत्म करना होगा और हम एक सूरा बनना होगा। तो सतगुरु कह रहे हैं, अरे सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, सूरे से सूरा मिले तो पूरा संग्राम। जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, स्वच्छता की लड़ाई लड़ी है, स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ी है, बेटी बचाओ का अभियान की लड़ाई लड़ी है, पूरा समाज लड़ रहा है बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति, अज्ञानता के प्रति, अंधविश्वास के प्रति। तो कबीर जी कहना चाहते हैं कि आपको मेरी वाणी पर चलना होगा, मेरा जन्म दिवस मना रहे हो, मेरी बातों को ध्यान में रखना होगा। बिना पाव का पंथ है, सतगुरु कबीर जी का पंथ, अरे बिना पाव का पंथ है मंज शर स्थान, विकट बात यो घट गणी कोई पहुंचे संत सुजान। कि मेरा जो पंथ है, मेरे जो विचार हैं, उस पे कोई संत सुजान ही जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कठिन कमान कबीर की, मेरी कमान इतनी कठिन है, हथियार सामने रखा है लेकिन कौन चलाएगा मेरी कमान कबीर की, अरे पड़ी रहे मैदान, केते योद्धा बच गए कोई खेचे संत सुजान। तो सतगुरु कहते हैं कोई सच्चा होगा, कोई अच्छा होगा, कोई नेक होगा, जो समझौता नहीं करेगा किसी कीमत पर भी, वही मेरी कमान को उठा पाएगा और वही इस बुराई के ऊपर तीर चलाएगा। सतगुरु कबीर जी कहते हैं भक्ति के ऊपर, गुरु भक्ति अति कठिन है, अरे जो खांडे की धार, बिना साच पहुंचे नहीं महाकठिन व्यवहार।
कि मेरा जन्म जन्म दिवस मना रहे हो, सच्चाई को अपने जीवन में बना लेना, कभी तुम्हारी हार नहीं होगी। सतगुरु कह रहे हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात कुल वर्ण सब खोया। जो केवल इंसानियत के ऊपर चलेगा, जो जाति के ऊपर समझौता करेगा, धर्म के ऊपर कोई फैसला करेगा, वो कबीर जी का नहीं हो सकता है। इसलिए सतगुरु कबीर जी कह रहे हैं, प्रेम प्याला जो पीवे अरे शीश दान में दे, लोभी शीश ना दे सके प्रेम नाम प्रेम का ले। कबीर जी कह रहे हैं कि मेरा नाम ले रहे हैं, भक्ति पर चल भी रहे हैं, लेकिन सभी से प्रेम नहीं कर रहे हैं। जागट प्रेम ना संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। तो सतगुरु कबीर जी का एक एक सत्संग के ऊपर सतगुरु जी कहते हैं, संगत से सुख उपजे कुसंगत से सुख जोया, कहें कबीरता जाइए साधु संग जा होया। संतों का संग अगर होगा तो आपके पाप भी मिट जाएंगे, आपके दुख भी मिट जाएंगे। और सतगुरु कबीर जी कहते हैं, अरे सतगुरु इतना दीजिए जा मैं कुटुम समाया, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा अतिथि भी भूखा न जायो। मेरा कहने का भाव है, मैंने इसलिए ये वाणी सुनाई है, इसलिए सतगुरु कबीर जी का विचार दिया है कि मेरे विचारों पर चलने वाला इस दुनिया में कभी किसी कीमत पर भी दुख को महसूस नहीं कर सकता है, किसी कीमत पर भी। तो आज की इस घड़ी में, आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस शोभा के अवसर में सतगुरु कबीर जी की कीर्ति के बारे में जो लफ्ज हम सब लोग कह रहे हैं और सतगुरु महाराज का हम सब गुणगान कर रहे हैं, और नानक दास जी की तरफ से एक विचार आया, मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उसके ऊपर तन मन धन से चलना भी चाहता हूं। और सतगुरु कबीर जी का जिस दिन भी यहां पर कीर्ति सतम की स्थापना होना चाहेगी हमारे आश्रम की तरफ से, हमारी तरफ से हम 51,000 रुपए उसी दिन यहां पर भेजने को तत्पर रहेंगे, हम इसमें मदद करेंगे। सतगुरु कबीर जी कीर्ति स्थल होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए, उन्हीं के विचारों पर ये दुनिया टिक रही है। और मैं दोबारा से आप गाँव गाँव देहात से माता बुजुर्ग बहन जितने लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, पूरे मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और इस सारी संगत की तरफ से पूरे मंच को दोबारा से मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आज खाटू जगी है, खाटू को इंटरनेट पर नाम है, और ठेठू पुराने जमाने के अंदर आया है। सियारे खाटू बली उनारे अजमेर, नागानू नितगा बलो एर सावन बीकानेर, बा खाटू आ है। आज ही मौके पर हिंदुस्तान का वित्त मंत्री आया है और आंको नाम है अर्जुन मेघवाल, और एक कलेक्टर लियोड़ा है, चूरू में कलेक्टर है, बड़ी बड़ी पोस्ट में लियोड़ा है और आईएएस अफसर है। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र के मायने दो ही प्रणाली है, दो ही, एक तो वोटा की, एक अंक की प्रशासनिक अधिकारी जगह हुए, जगह प्रजातंत्र, प्रजा और तंत्र, प्रजा में भी आ लिया और तंत्र में भी आ लिया है। ओ मौको आपने रोजी ने हाथ को ना वे लो, छापरी डूंगरी इनके ऊपर मेघवाल साहब अटू जगी दृष्टि जावे, अगर बरसात जोड़ी हुए तो 20-20 किलोमीटर के एरिया में आप पूरी दक्षिण से चारों तरफ निरीक्षण कर सको, आज छापरी डोंगरी की जगह है। और आज ही मौके पर आश्रम में आया, कबीरदास जी को आश्रम है और नानक दास जी महाराज स्थापना करी, और हर जगह आया है। अठे दीपापुर जी महाराज हुआ, और दीपापुर जी महाराज को भी बहुत बड़ा आश्रम है खाटू में, और बांका चला माधवानंद जी हा, और बांका चला मेसरानंद जी हा। दीपापुर जी को नाम पूरे विश्व में चले, पूरे विश्व में, और जाडन में मां को बहुत बड़ो
स्थान है और बड़े ओम आकार को एक बहुत बड़ो विश्व को बहुत बड़ो भुंजड़ो स्टाब है। मैं चाहवा कबीरदास जी के नाम छापरी डूंगरी पर एक तो कबीरदास जी के नाम जगह बार महाराज बतावा स्तंभ को है वो 100 फुट ऊंचो वो बननो चाहिए। अरबी के मायने अगर हिंदुस्तान को वित्त मंत्री अगर एक ही नजर देख जावे तो फटकारे वो आकाश के अड़िए इन कोई फर्क को है। एक अटे डूंगरे को जगह पानी आवे और पानी रोक और कबीर सरोवर बनो है कबीर सरोवर पानी डूंगरे को रोकी बीच में आई मैं को तो डूंगर छोटो आएगो जरा पानी रोके जरा बिजली पैदा हुए ज्ञान को बन सके कोई बड़ी बात को है। आप आया हो मैं को रिपिया बंद हुआ दो महीना तीन भसी जो कहीं मैं दुख पाया जरा थे याद आया मन है वित्त मंत्री जी कर जी हुई अबार जो मामलो है मैंने पूरी जानकारी तो नहीं है पर सुन में आवे और जानकारी आपने आदेश आप फरमाओ। एक दो जगह भी रुपया जमा हुई जगह पाचा खड़न वास्ते और पैन कार्ड हुई सबके लिए पैन कार्ड हुई सबके लिए राज का नौकर हा बड़ा बड़ा व्यापारी हा मैं पैन कार्ड राजदार पैन कार्ड को मतलब है पैन कार्ड के मायने हिसाब जीनो पड़े भाया और रुपया को अतो आवार अतो ग्यारह खर्चो जीनो पड़े अरे अनपढ़ आदमी है घनग्राग बैठा है गाँव के मायने मैं कहूँ घनग्राग ने तो ठाक को नहीं मोबाइल के मामले में जरूर जाने में कोई फर्क को नहीं अब आज एक फोन चले स्क्रीन टच फोन हाथ में तो भसी उठे यहाँ करता है किंत कर सको पूरे ज्ञान अर्जित कर सको मन भी में दो प्रणाली है दो प्रणाली इंटरनेट वो जुजुड़ो है अगर आप फेसबुक एक बार व्हाट्सएप और तरह तरह की है बाकी मायने थे बार ये जानकारी हासिल करो एक मिनट में पूरी दुनिया की हासिल जानकारी हो जी और कई तरह तरह की खोज हो जी कई तरह तरह की जानकारी मिली चाहे कृषि में हुए व्यापार में हुए चाहे कम हुए खेत में हुए कम हुए बीते साथ साथ एक और चल है जगह में मजो ही मजो है घर लूटी ज्ञान की हालत है वो ये इंटरनेट में चल है बोल वो अपनाई जगह फेर पीने बैर जी इनमें कोई फर्क हो है। मैं तो बूढ़ा होगा 70 साल के हारे होगा लोड़ा लोड़ा छोड़ा भी टिच इसको खाएंगे वो टिच खाएं स्क्रीन टच मैं को वट कर दे को माइनो थाने कर दियो तरह तरह का फंक्शन कर दे तरह तरह का बैंक में लेन लागनी पड़ती रुपया जमा कराना ना के कार्ड ना आगे अब आज एटीएम बनियोड़ है एटीएम यू ही में एटीएम में गया वो कार्ड माह चेपियो और बटन दबाया रुपया आल पड़ जाने भैंस दूध दियो जाने देखे यहाँ को सिस्टम है इके बाद में अब आज 7 बैंक को एक बैंक बनिए 7 बैंक की होन में आई है और वहां बैंक में गया माँ बात की है कि हर खाते में 2500 रुपया रखना जरूरी है हर खाते में 2500 रुपया रखना जरूरी है। मैं कहूँ रुपया जगह तो तुड़ावेगा रुपया ने घाला कटे और जगह की 500 रुपया की पेंशन है बा 5 महीना अंदर बाकी जमाई गई मैं दुख पाए इन वाले तो आपने बात किया आप खुलकर बात करो तो ना कुछ बात पूछी जगह ग्रामीण युवा रोजगार है रोजगार ने ग्रामीण युवा जगह है बैंक में अर्जी किए हुए कई विकलांग है कई बुद्धिमन है माँ को ज्ञान है पर माँ बोली जे को नहीं विकलांग है माँ को हकलो युद्धो है पर चाली जे को नहीं प्रावधान है लोन देन को मन साहब लोन देने वाले मुंडा देख देख टीका कर दे वो आप
कृषि प्रधान है देश और मार्केट है। मूंग बड़ा गजब हुए और आप भी मूंगा को पहल को नागौर में उद्घाटन हुई हो आप आया बैठे आप जगह एक बात फरमाई जरा मैं कलडा राजी हुआ पर बात ने थाके बस की ने माके बस की मामलो बैठो कोनी बी के बावजूद ही मैं चाहवा कि कृषि के मामले में लोकसभा में आप हर तरह संपन्न हो। आप बीकानेर का रहने वाला बीकानेर एरिया में जलमिया पैदा हुआ गरीब परिवार में पैदा हुआ और बी के बाद में आप पढ़ाई कर बहुत बड़ा हिंदुस्तान लेवल का अफसर बनिया और अफसर बनने के बाद में प्रजातंत्र की प्रणाली के मायने जो लोकसभा को मेंबर हुए हिंदुस्तान को कानून बनावे जगह के माय आप हो और आप जब दिन विपक्ष में हा हाँ कोई शब रोज दीप तो विपक्ष में बोलता एक नंबर बोलता थे कोई कमी को नहीं और सत्ता पक्ष में ड्राइवर के सारे बैठ रहे ना ड्राइवर के सारे जरा वो यहाँ के अटल कार्ड खुद स्ट्रीम पकड़ लिया ना तो खुद ने अंडर लागन रोक दिए गए इवाए तो भी टाइम तो आप सारे हा और अब मामलो था के हाथ में है ए बाता है। अब कर्नल मदन सिंह जी राठौड़ आप ही पधारी उड़ा है सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी है आप बेसरी पधारिया आप सुवर धरती पर अटे आप रे पधारो सा आप रे स्वागत है अर्ध बिरा जो आप रे ई मंच रही सरोवर वेणो छई जे बड़ी कामरी बात की जीव हो रवेगो अबे मैं मेघवाल साहब सु अर्ज कर दूं जद ई भारत में सता जोग गणमान सु हार्दिक स्वागत राजस्थान मेरी मान्यता वास्ते आज तो जो कहना था जो कह दिया क्या बजाऊं ढोल अब स्वास स्वास में जा रहा लाख लाख का मोल। मेरा तो यही है सभी से सभी के चरणों में नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि आप लोगों ने जन्म दिया है कि जब जब जन्म धरूं धरती पे संत समागम रही अगर जन्म मिले तो मेघवाल का ही मिले और ऐसा ही आश्रम मिले सतगुरु भगवान की। माननीय यूनुस खान साहब रहा ओएसडी साहब कबीर जयंती के इस अवसर पर मंचासीन आदरणीय पूजनीय संत समाज भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सम्माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब इस पवित्र जमीन पर विराजमान समाज के सभी प्रबुद्ध जनों माताओं बहनों प्यारे बच्चों मीडिया के साथियों जैसा कि इस जमीन का नाम कबीर आश्रम है जगह कबीर आश्रम की है हम सब यहाँ उपस्थिति इसी उद्देश्य से हुए हैं कि यहाँ संत समाज के अच्छे ज्ञानी लोग आएंगे और हम उनकी बातों को सुन के जीवन में आत्मसात करेंगे। मैं भी आपकी तरह एक दर्शक बन के आया हूँ और मेरा तो आग्रह रहेगा और मेरा निवेदन रहेगा कि मैं सिर्फ संतों के वचन सुनूंगा संतों की वाणी सुनूंगा और जितना संभव होगा जितना मेरे मन में आज आत्मसात करने की कोशिश करूंगा कि मैं अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में ग्रहण करूं अच्छी बातें जीवन में उतारूं और उन अच्छी बातों को जितना मेरे से हो सके समाज में उनको प्रचारित करने की समाज का भला करने की अपने कार्यक्रमों में उनको उपयोग में लेऊं ये मैं मेरे जीवन में आज ये ग्रहण करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग यहां पंडाल में बैठे हैं इतना अच्छा आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इतने महान जो संत बनना कोई आसान काम नहीं है संत बनना आसान काम नहीं है जीवन का बहुत कठिन मार्ग है। इस कठिन मार्ग में आप जिस लेवल पे जिस ऊंचाई पे पहुंचे हैं वो संत आपके सामने विराजमान हैं इनकी बातों को सुनें आप भी जीवन में उतारें और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो अपने जीवन का उद्देश्य भी तय करें और समाज का भला करें ये सब लोग आज प्रण लें। इस आश्रम का जो विकास
हमारे नानक दास जी महाराज कर रहे हैं और पूरे प्रयास में हैं ये। आज आप लोगों को इकट्ठा करना, इतने संत परिवार को, समाज को इकट्ठा करना और हमारे माननीय मंत्री महोदय को इकट्ठा कर बुलाया है यहाँ पे। इनका उद्देश्य यह है कि जन जन में इस आश्रम का प्रचार हो, जन जन को चले। इतना जो प्रयास हमारे नानक दास जी महाराज कर रहे हैं, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप करते रहे महाराज, आपने जब जब हमें आशीर्वाद दिया, जब जब आपने आदेश दिया है, हमने पूरा काम करने की कोशिश करी है। आगे भी आप जो बताएंगे, आप निश्चिंत रहें हमारी तरफ से। और मैं नागौर जिले के मेघवाल समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि आप निश्चिंत रहें, आपको पूरा हमारी तरफ से सहयोग मिलेगा। घोषणा की बात नहीं है, हम काम में विश्वास करते हैं, हम काम आपका करेंगे और आप आगे बढ़ते रहें, समाज को दिशा देते रहें और समाज को अच्छे मार्ग पर चलने की आप प्रेरणा देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, संतों को प्रणाम और उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरी तरफ से प्रणाम, सबको धन्यवाद। जय कबीर साहिब। लागेला अंगूर, लागेला सेम, लागेला और आप रहे वो कबीर सरोवर बनेला। मैं तो कहूँ आपने अटैडी चीज बनेला लगी सीधी हीडी अपन भगवान खन चाहूं वाली बनेला, पर इनसु पहली एक आम री बात अटे भंडारा की व्यवस्था है। जोरदार तालियां से स्वागत माननीय राम आशीर्वाद दे रहा हूं। एक गाड़ियां खड़ी थोड़ी जय का ठार से बोलेंगे, बोल कबीर महाराज की कुछ आवाज। सुधी पूनम पूनम पूर्ण ब्रह्म है निर्धार्य आधार, लगे ने श्री राम के चढ़ जाओ बरापुर पा। चंद्रमा दूज के दिन से अगस्त होता है पूर्ण गद पूर्ण पिया पकौड़ो बीतेरे के सतगुरु समझाए भजन में हरे तेरी। तो सतगुरु आज हमें बड़ी खुशी है कि आज कबीर साहब 618 की वर्षगांठ में हम अच्छे मना रहे हैं, परंतु एक कहावत है कि गुरु गोविंद ने दोनों खड़ार किसके लागू पा, बलियारी गुरुदेव ने गुरु दिया बता। आज हमें आपको आपको हम सभी को खुशी के दिन है कि नानक दास जी यहाँ नहीं होते तो आज वित्त मंत्री श्री मेघवाल अर्जुन राम जी वित्त मंत्री राजस्थान सरकार भारत के द्वारा जो यहाँ विराजमान है, हम टीवी में और अखबार के फोटो में देखते, पर आज हम हमारे बीच में नारंग दास जी ने बड़े प्रयास करके कबीर आश्रम में आज सबके सामने दर्शन। ये बड़ी ये नानक दास जी अपने लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपके जनता के, आपके हित के लिए, आपके शुभ का। आज सरोवर की बात बार बार कह रहे हैं, पहले मैं आया था ये भूमि पूजन मेरे हाथों द्वारा मंज मेघवा द्वार और चार चौधरी साहब समय आए थे सब हुआ। तो आपके बड़ी खाटू के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप मीठा पानी यहाँ पियोगे और दुनिया भर के जो है सूचना है वो यहाँ पे आपके स्तंभ कर से देखते रहोगे। इसलिए मैं मंच में बैठे हुए सभी महानुभव वित्त मंत्री अजमेर गुआ साहब और महंत महात्मा बैठे हुए रहा में रामधन शांति के हरिद्वार उत्तरखेड़ा श्री राम से के द्वारा शक्तिपीठ से गायत्री शक्तिपीठ से पुराण धाम नीनावटा तेजी लीला नागौर के तरफ से सभी को हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि एक सभी से मैं निवेदन करना जा रहा हूं कि पर्यावरण नशा मुक्त आप लोग जो हो पर्यावरण को शौच से रोकोगे तो अपने जीवन बड़ा अच्छा चलेगा। सभी से निवेदन है कि एक साल में कम से कम एक दर्प लगाए, एक सो एक कर लो चाहे एक दर्प एक दर्प तो लगाओ तो एक के बरा का समान हो जाता है। तो हमारे गायत्री परा में शांति और हरिद्वार से नियम है कि हर साल में 24 दर्प लगाना बहुत जरूरी। हमारे गुरु श्री राम शर्मा ये कहा कि जब तक तो रहो तो दर्प लगाते रहो, पर्यावरण को शुद्ध कराते रहो। और दूसरी बात नशा मुक्ति, आप बीड़ी सिगरेट पीते क्यों?
वो शरीर आपके पांच तत्व से बनाया है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन पांचों तत्वों कायम रखो। इनमें शरीर में जो आवार है अन्न पानी दो साध है और पाखंड, यदि विश्वास ने देख लो नौखंड, इस शरीर में रखने के लिए अन्न पानी की दो क्रिया है, वो बाकी निशाब देख बिल्कुल बेकार है। आज से प्रण लेकर जाए बीड़ी सगरे नशा गुटका गुटकी इनको दूर है। ज्यादा तन मैं महिला से निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये आजकल की छोटी बच्चियां होती है क्या गुटका जाफरी, इसका नाम क्या है जाफरी, जो मुझे खाएगा वो फ्री जाएगा, उसका टिक लेने कोई जुड़ नहीं है, उसका नाम लेना है तो गुटका। अरे नीचे को तुम खाते हो उनसे आप कैंसर हो जाता है, टुकड़ी को मैं मेडिकल डिपार्टमेंट अच्छी पोस्ट में रह चुका हूँ, इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि बुराई से दूर हो जाए। शिव कुमार जी तिवाड़ी SCN सुजला चैनल आप मैं स्वागत करवानी चाहूँ कि देखो चूक तो वही जा सा, जरूर मन को चूक तो वही जा सा, आप स्वागत रहे और स्वागत में आपने कहनी चाहूँ और आप बहुत ही विद्वान और बहुत सटीक भाषा में कबीर की वाणी पर अच्छा मधुर भाषी आज आपके बीच में हैं, आप उनका विचार सुने। उच्च कोटि के संत हैं इसलिए सभी की प्रशंसा करते हैं, सबकी अच्छाइयां बताते हैं, मुझ में बड़े दोष हैं वो भी बता दो, लेकिन दोष छुपाते हैं ये उनकी महानता है, अच्छाइयां बताते हैं। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि एक बार नानक दास जी महाराज के लिए श्री चरणों में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। यहाँ कई बार जब मैं सुबह स्टेशन पे उतरा तब स्वागत किया गया, फिर मैं जब आश्रम पहुंचा तब स्वागत किया गया, फिर जब मैं गाड़ी में बैठा तब स्वागत किया गया, फिर मंत्री जी के की प्रतीक्षा हो रही थी तो हम लोग रास्ते में रुक गए, फिर जब चले फिर स्वागत किया गया, फिर द्वार पे आए फिर स्वागत किया गया, मंच पे आए। विभूत हुआ हूँ कि सच में श्री कल्की धाम से यहाँ तक की यात्रा का जो सफ़र था, जो मुश्किलात थी, मैं उन्हें सबको भूल गया हूँ, आपके स्वागत से इतना विभूत हुआ। मगर अगर सच में देखा जाए तो स्वागत हमारा किया गया अच्छी बात है, अतिथि देवो भव हमारी भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है, पर वास्तव में स्वागत करने योग्य तो आप हैं, क्योंकि मेरा बचपन से जब से मैं प्राथमिक शिक्षा मैंने ग्रहण की उस समय से लेकर आज तक मेरा एक सपना था और मेघवाल साहब उस सपना ये था कि मैं उस धरती को नमन करना चाहता हूँ जो धरती शौर्य वीरता और देशभक्ति की पहचान है जिसे मेवाड़ कहते हैं, और मैं उस धरती को नमन करना चाहता हूँ जो धर्म का केंद्र है जिसे मारवाड़ कहते हैं। मेघवाल जी से मेरा परिचय चार साल पहले हुआ था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना का आंदोलन चल रहा था और लोकपाल समिति स्थायी समिति संसद की गठित हुई थी, तो संतों के तरफ से मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात रखने गया था। तब उस समय मैंने अर्जुन राम मेघवाल जी का दर्शन किया था संसद के उस एनेक्सी के भवन में, मेरा भी उद्बोधन हुआ था और उसके बाद आज उनका दर्शन हुआ है। यहाँ आकर के मुझे पता चला कि अर्जुन राम मेघवाल जी एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में देश में जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर के मुझे पता चला कि वो तो सच मायने में इतनी खिदमत करते हैं जनता की कि उन्हें संत शिरोमणि कहा जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। उस संतों के संत क्या है, मैं दो तीन बातें आपके बीच में रखूंगा क्योंकि उसके बाद माननीय मंत्री जी को बोलना है और सुबह से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, भंडारा प्रसाद भी जरूरी है।
पिछले जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं इस देश ने अर्जुन राम मेघवाल जी को उतना शायद 5-10 सालों में नहीं देखा होगा। मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं जितना अभी 3 दिन पहले उन्हें पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाया गया। तो सारे देश ने, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कोना रहा होगा, तो उसी से उनकी जो फोटो मैंने भी देखी, मैं उस समय हिमाचल प्रदेश में था तो मैंने वहाँ उनका दर्शन किया कि वो फोन पे बात करने के लिए बताया गया वो पेड़ पे। जो मुझे नहीं पता घटना सच्ची है या बनाई हुई है, क्योंकि मीडिया जो है आजकल क्या क्या बना देता है, मगर मैंने जो देखा तो मुझे उससे भी प्रेरणा मिली। और प्रेरणा ये मिली कि वाकई अर्जुन राम मेघवाल जी सच में एक अच्छे नेता हैं, ये अलग बात है, लेकिन एक सादगी भरे इंसान हैं, ये एक बड़ी बात है। उनके अंदर मंत्री होने के बावजूद सादगी ऊपर मौजूद है, कोई तकब्बुर नहीं है, कोई अहम नहीं है। तो मैं ऐसे जननायक जननेता अर्जुन राम मेघवाल जी का खुद श्री कल्कि पीठ की तरफ से भी अभिनंदन करता हूं। यहां तमाम संत उपस्थित हैं, सभी संतों के चरणों में मेरा प्रणाम वंदन, चाहे वो बालकनाथ जी हैं, चाहे वो हमारे नानक दास जी महाराज हैं। और एक बात कहे बिना मैं अपनी बात शुरू नहीं करूंगा कि जो संचालक महोदय हैं हमारे सत्यपाल सांधू जी, वाकई बहुत दिनों में एक उच्च कोटि का संचालक मुझे देखने को मिला। और उनके अंदर कवित्व भी है, साहित्य भी है, धर्म भी है, अध्यात्म भी है, और जनता की जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करने का मादा भी है। बहुत देर से मैं सोच रहा था कि भाई सब लोग एक ही भाषा में बोल रहे हैं तो पता नहीं मेरी बात समझ में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मैं राजस्थानी भाषा को ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ। लेकिन रिद्धकरण जी ने जो बात बताई उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि ऐसे करके भी समझा जाता है, ऐसे करके भी समझा जाता है, तो फिर मेरी बात भी समझ लेंगे आप और आपकी बात मैं समझ लूँगा। तो उपस्थित दिव्य आत्माओं, तमाम संत वृंद और राजनीतिक हस्तियों, मीडिया के साथियों, मैं प्रणाम करता हूं इस धरती को जो संतों की धरती है, जो भक्ति की धरती है, जो शौर्य की धरती है, जो त्याग की धरती है, तपस्या की धरती है, बलिदान की धरती है, देशभक्ति की धरती है, धर्म और अध्यात्म की धरती है। और आज महान संत कबीर की याद में उनका सुमिरन किया जा रहा है, बधाई का पात्र है। मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूं इस पवित्र अवसर पर कि हम लोग जब से होश संभालते हैं तब से परमात्मा का सुमिरन सिखाया जाता है, धर्म की बात सिखाई जाती है, भक्ति का जिक्र होता है, राम का गुणगान होता है, संतों को प्रणाम करना सिखाया जाता है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, मैं समझता हूं कि वो ये है कि कोई भी बात, कोई भी सिद्धांत, कोई भी सुझाव, कोई भी सलाह, कोई भी विचार यदि कहने के लिए कहा जाता है, बोलने के लिए बोला जाता है, तो वो जीवन में उसका कोई भी असर नहीं होता है। हमने देखा है, एक प्रॉब्लम है कि जब हम मंचों पे होते हैं, जब हम समारोह में होते हैं, मैं मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब हम मंच पे होते हैं, समारोह में होते हैं, सत्संग में होते हैं, धर्म की किसी चर्चा में होते हैं, साहित्य की चर्चा में होते हैं, तो हम एक अच्छे देशभक्त की तरह बात करते हैं, एक अच्छे संत की तरह बात करते हैं, एक अच्छे इंसान की तरह बात करते हैं, एक हिंदुस्तानी की तरह बात करते हैं। और जब हम अलग अलग अपने अपने जगह होते हैं तो हम जातियों में विभाजित हो जाते हैं, धर्म के नाम पर विभाजन की बात करते हैं, गोत्र के नाम पर विभाजन की बात करते हैं। सवाल उठता है कि कबीर ने जो बात उठाई थी आज से सैकड़ों साल पहले वो क्या थी?
कबीर की जो जंग थी, कबीर की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, वो लड़ाई किसी राजा के खिलाफ नहीं थी, वो लड़ाई किसी तंत्र के खिलाफ नहीं थी, वो लड़ाई थी उन कुरीतियों के खिलाफ, उन गुनाहों के खिलाफ जो धर्म के नाम पर पाखंड के रूप में समाज में परोसे जा रहे थे, उनके खिलाफ लड़ाई थी, उनके खिलाफ लड़ाई थी। और वो लड़ाई कबीर के जीते जी जारी रही, कबीर के जाने के बाद भी आज भी वो लड़ाई है, और मैं समझता हूं वो लड़ाई कल भी जारी रहेगी। वो लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा हम सबका है, हम सब परमात्मा के हैं, तो फिर हमारे अंदर भेद कहां पैदा होता है? हम एक बाप की संतान है तो हम सब एक हुए, लेकिन हमें देखने में प्रैक्टिकली ये मिलता है। भाटी जी बड़ी अच्छी बात सूक्ष्म में कह गए, बड़ी गंभीर बात मैं कहना चाह रहा हूं कि हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि परमात्मा एक है, हम ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी धर्म ये नहीं बताता कि धर्म के नाम पर विभाजन होना चाहिए, धर्म के नाम पर कहीं किसी का अपमान होना चाहिए, धर्म के नाम पे भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक है और परमात्मा सत्य है। सत्य वह है जो सनातन है, सनातन वह है जो शाश्वत है, शाश्वत वह है जो शिव है, शिव वह है जो प्रेम का प्रतीक है और सौंदर्य है। तो जहां सत्य हो, सनातन हो, धर्म की पराकाष्ठा हो, वहां धर्म के नाम पर भेदभाव करने की अनुमति ना कोई धर्म देता है, ना कोई धर्म ग्रंथ देता है, और ना कोई धर्म गुरु दे सकता है, नहीं दे सकता। लेकिन अफसोस, धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म भेदभाव नहीं सिखाता, धर्म ऊंच नीच नहीं सिखाता, धर्म तेरा मेरा नहीं सिखाता। उपनिषद कहता है अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। कृष्ण का 5000 साल पहले का उद्घोष है कि पूरी वसुधा के अंदर जहां तक दृष्टि जाती है, जहां तक हमारी कल्पना पहुंचती है, हमारी कल्पना से ऊपर भी अगर हम सोच सकते हैं, वहां तक पूरी वसुधा के अंदर सारी वसुधा हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा कृष्ण देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे ही इस्लाम के अंदर अगर आप देखें तो कुरान कहता है अल खल्क अयालुल्लाह, कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। जब तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है तो उस कुनबे में केवल आप ही नहीं है, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उस कुनबे का हिस्सा है। अगर कृष्ण कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम कि तमाम वसुधा एक परिवार है, तो उस परिवार में दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो उस परिवार का हिस्सा है। बुद्धिज्म कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि जो कुरान कहता है, जो गीता कहती है, जो शास्त्र कहते हैं, जो उपनिषद कहते हैं, जो राम कहते थे, जो कृष्ण कहते हैं, तो फिर और हमारे बीच में ये दरार पैदा कैसे हो गई? मैं बताता हूं कैसे हो गई। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि अल खल्क अयालुल्लाह इस्लाम कहता है। यहाँ कुछ मुसलमान भाई मेरे बैठे हैं, मैं बड़े गौर से उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि उसे गौर से सुने। अल खल्क अयालुल्लाह यानी तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। तो ये बताओ कि जब अल्लाह का सब कुनबा है, हम सब एक ही की संतान हैं, तो फिर हमें हमारी जान लेना क्यों चाहते हो, या हम आपकी जान लेना क्यों चाहते हैं? मगर एक भेद है, एक भेद है। भेद ये है कि दुनिया में धर्म लड़ना नहीं सिखाता, लेकिन दुनिया में जितनी लड़ाइयां हैं वो धर्म के नाम पे की जा रही हैं। अगर आईएसआईएस के आतंकवादियों से तुम कहो कि तुम क्यों लड़ रहे हो, तो वो कहेंगे कि धर्म के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं जितना मैंने स्टडी किया है कि मोहब्बत का नाम इस्लाम है, कुर्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों कि धर्म हमारा जो सनातन धर्म है ये शाश्वत है, ये सत्य है, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है। सनातन धर्म की दो शाखाएं हुई, एक निर्गुण शाखा हुई, एक सगुण शाखा हुई। निर्गुण ओमकार तक जाती है, सगुण अवतार तक जाती है। मैं जिस धरती से आया हूं, पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवत कहती है कि भगवान का 10वां अवतार
यानी कृष्ण का एक और अवतार जिस धरती पे होगा उस धरती को संभल के नाम से जाना जाएगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति, यानी कि जिस धरती पे भगवान अब आएगा कल की अवतार के रूप में आएगा उसको संभल के नाम से जाना जाएगा। मेरे मित्रों, मैं उस धरती से आया हूँ जहाँ भगवान आएगा और मैं इस धरती पे आया हूँ जहाँ भगवान की भक्ति आ चुकी है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, बधाई के पात्र हैं नानक दास जी महाराज कि आपने इस धरती को नमन करने का मौका दिया। मैं फिर एक बार आपकी बात, आपका ध्यान वहां ले जाना चाहूंगा कि धर्म कभी भी लड़ना नहीं सिखाता, धर्म कभी लड़ाई नहीं बताता। क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, त्याग का नाम हिंदुत्व है, तपस्या का नाम हिंदुत्व है, बलिदान का नाम हिंदुत्व है, परोपकार का नाम हिंदुत्व है, परमार्थ का नाम हिंदुत्व है। मेरे मित्रों, किसी के घर के चिराग को बुझा देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। हमारा धर्म एक चींटी की हत्या की अनुमति नहीं देता, तो वो किसी के बच्चे की हत्या की अनुमति कैसे दे सकता है? ऐसे ही इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी के घर के चिराग को बुझाने की इजाजत कैसे दे सकता है? तो सवाल वहीं खड़ा हो जाता है। महावीर ने अपना अनुभव बताया, बुद्ध आए उन्होंने अपनी बात कही, राम वो राम जो जटायु के जख्म धोते हैं, वो राम जो पिता की आज्ञा मान करके तमाम राजपाट त्याग करके वनों को चले जाते हैं, वो राम जो आदर्श है, वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो राम जो हमारे हैं, वो राम जिनके हम हैं। लेकिन मेरे मित्रों, गलती वहां होती है, भूल वहां होती है। यहाँ तमाम संत वृंद उपस्थित हैं, मैं अपनी बेबाक बातों के लिए जाना जाता हूँ। गलती वहां होती है जब हम ये सोच लेते हैं कि भगवान सिर्फ हमारा है, और मुसलमानों की गलती वहां है जब वो सोचते हैं कि अल्लाह सिर्फ उनका है। अब मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, अल्लाह सिर्फ अगर मुसलमानों का होता तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जीवित कैसे होते, और राम अगर सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णम के होते तो मुसलमान जिंदा कैसे होते? मैं फिर कहना चाहता हूं कि कोई भी सूफी संत रसूल महात्मा ऋषि मुनि, कोई भी सूफी संत महात्मा ऋषि मुनि अवतार पैगंबर किसी एक कौम के लिए नहीं आता, किसी एक वर्ग के लिए नहीं आता, किसी एक राज्य के लिए नहीं आता, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं आता। वो आता है पूरी वसुधा के लिए आता है। इसीलिए भगवान श्री राम विष्णु के अवतार, जिनको हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा, उन्हें मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और जो इस्लाम के पैगंबर हैं उन्हें रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि राम जितना हमारे हैं उतना तुम्हारे हैं, और पैगंबर जितना तुम्हारे हैं उतना हमारे हैं। कोई भी धर्म किसी भी धर्म के पेशवा की, किसी भी धर्मगुरु के अपमान की अनुमति नहीं देता। जो अच्छा हिंदू नहीं हो सकता है, जो अच्छा हिंदू नहीं हो सकता है वो बुरा हिंदू भी नहीं हो सकता है, माफ करना, क्योंकि हिंदू बुरा हो ही नहीं सकता है। हिंदू होना अपने आप में गौरव की बात है, अपने आप में सम्मान की बात है। लेकिन ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमान है और वो कहता है कि मैं आतंकवादी हूँ, मैं किसी के घर के चिराग को बुझाने के लिए हाथ में हथियार उठाए हूँ, इस्लाम के नाम पर गुनाह करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ वो मुसलमान नहीं हो सकता है। क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, कोई भी संत फकीर, उसका एक ही लक्ष्य होता है, किस तरह से जनता की सेवा करे, किस तरह से जन भावनाओं का सम्मान करे, किस तरह से जनता को उनके तमाम अंधकार से दूर ले चले, प्रकाश की तरफ ले चले। आज मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ नानक दास जी महाराज को। वो इसलिए देता हूँ कि जहाँ बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़ी तमाम सुविधाएं हैं, वहाँ जलसे करना, समारोह करना, संत समागम करना वहाँ आसान है। लेकिन खाटू जैसी जगह में, जहां पर आने के लिए पता नहीं कौन कौन से रास्ते हमें चुनने पड़े, उस जगह पर तमाम संतों को आमंत्रित करके, आप सबको बुला करके आपका दर्शन करने का सौभाग्य हमें दिया और आपको हमारे दर्शन कराए। इसलिए नानक दास जी महाराज, मैं आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी।
गांव लौटे शहर से तो सादगी। मैं इन माता बहनों को देख रहा हूँ, ये भोले भाले लोग हैं लेकिन ये ज्यादा जानते नहीं हैं। इन्होंने वेद नहीं पढ़ा है, इन्होंने पुराण नहीं पढ़ा है, इन्होंने गीता का अध्ययन नहीं करा पढ़ा है किया है। हो सकता है इन्होंने कबीर को भी उतना ना पढ़ा हो, लेकिन इनकी जो भावना है, इनकी जो भाव भंगिमा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उससे श्रद्धा आस्था विश्वास और समर्पण झलक रहा है, चमक रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, मुझको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी। गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, मुझको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, चाहे वो संत हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो कोई भी हो, लेकिन जो इंसान नहीं है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। हिंदू होने के लिए, मुसलमान होने के लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन एक शर्त जरूरी है कि तुम्हें पहले इंसान बनना पड़ेगा। तुम इंसान बनना पड़ेगा। जब तुम इंसान बनोगे तो इंसान का दर्द समझोगे, और जब इंसान का दर्द समझोगे तभी परमात्मा के द्वार तक जाने लायक होगे, और जब परमात्मा के द्वार पे पहुंचोगे तो तुम्हारा अंदर श्रद्धा आएगी, और जब श्रद्धा आएगी तुम्हारा माथा झुकेगा, और जब माथा झुकेगा तो उस चौखट पे जब तुम्हारा माथा झुकेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा ये जन्म भी सफल होगा, तुम्हारा वो जन्म भी सफल होगा। इसलिए मेरे मित्रों, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। जो कोई ये कहता है कि मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, बहुत बड़ी गद्दी का, बहुत बड़े मठ का मठाधीश हूं, तमाम पदवियों से सुशोभित हूं, विभूषित हूं, लेकिन मानव के कल्याण के लिए मैं आगे हाथ नहीं बढ़ाता, मानव के कल्याण के लिए मैं आगे कदम नहीं बढ़ाता, तो मैं माफ करना, ऐसे संत को संत मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि संत का प्रथम लक्षण है कि सत्य को सहजता से, सुगमता से, सरलता से, सहर्ष स्वीकार करे, और पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहे, वो सच्चा संत है। तो नानक दास जी महाराज, मैं आपको बधाई देता हूं महान संत कबीर के इस जयंती समारोह की, और जो विषय मुझसे पहले मेरे संज्ञान में आए कि यहाँ एक ऐसे स्तंभ का, यहाँ सरोवर का, और यहाँ तमाम आश्रम का, जिन कार्यों से, जिन प्रकल्पों से जन कल्याण जुड़ा है, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा भी निवेदन है, मेरा भी आग्रह है, क्योंकि मैं बीजेपी समर्थित संत नहीं माना जाता हूँ, इसलिए अब मैं मेघवाल जी से ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के लोगों ने आपसे विनती की है कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक तमाम काम होने चाहिए, तो ये विपक्ष की भी विनती मान लो कि यहाँ ऐतिहासिक काम होने चाहिए। मेरी कुछ बातें हैं, देखिए हम लोग कुछ मन में नहीं रखते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैंने मोदी जी के पक्ष में ट्वीट कर दिया, उनकी मन की बात मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा भी देश का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने मन की बात में ऐसी बात करता है जो राजनीति से प्रेरित नहीं है, समाज के कल्याण की है। तो कुछ कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा भाई क्या भाजपा में जाना चाहते हो, तो मैंने कहा जब मैं तुम्हारे में नहीं आया अभी तक तो भाजपा में क्या जाऊंगा, अभी तो तुम्हारे में आने में देर है। तो मेरे मित्रों, कभी कभी संतों की बातों से तुम्हें लगता है कि वो इसके साथ हैं, कभी तुम्हें लगेगा कि इसके खिलाफ हैं। संत किसी के साथ नहीं होता है, संत किसी के खिलाफ नहीं होता है, संत उसके साथ होता है जिसके हृदय में सत्य होता है, किसी के साथ नहीं होता। महाभारत के बाद विदुर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि तुम पांडवों के बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तुमने पांडवों की विजय करा दी। कृष्ण ने विदुर की तरफ देखा, विदुर से कहा क्या कहा तुमने, तो उन्होंने कहा प्रभु क्योंकि तुम पांडवों को बहुत प्यार करते हो इसलिए पांडवों की विजय करा दी। कृष्ण का जो उत्तर है वो भक्ति का भी सार है और शास्त्र का भी सार है।
भगवान कृष्ण कहते हैं, हे विदुर सुनो, ये बात पक्की है कि मैं पांडवों को बेहद स्नेह करता हूँ। पांडव मेरे आज्ञाकारी हैं, पांडव मेरे प्रेमी हैं, लेकिन उनकी विजय इसलिए नहीं हुई कि उन्हें मैं प्यार करता हूँ। तो विदुर ने कहा कि प्रभु उनकी विजय का कारण क्या है? तो कृष्ण कहते हैं, हे विदुर सुनो, कि जहाँ सत्य है तहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है तहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है तहाँ विजय है। कृष्ण वहां हो नहीं सकता जहां धर्म ना हो, और धर्म वहां हो नहीं सकता जहां सत्य ना हो। तो इसलिए अर्जुन राम मेघवाल जी, आपके तो नाम में अर्जुन के साथ कृष्ण है, तो आपके साथ कृष्ण स्वाभाविक हो गए। राम बचे वो भी अपने साथ लगा लिए, तो आपकी विजय सुनिश्चित हो गई। लेकिन एक आग्रह है, एक निवेदन है, मैं नानक दास जी और अर्जुन राम मेघवाल जी और मंच पर उपस्थित तमाम लोगों एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, पूरे मंच का पवित्र मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबके हृदय में परमात्मा का दर्शन करता हूं, करते हुए आपको भी प्रणाम करता हूं। एक विनती है कि आप जहां भी रहें, घर में रहें, बाहर रहें, सड़क पर रहें, जहां भी रहें, कोई ना कोई काम आप करते हैं, उस काम से आपको कोई कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, उससे आपका परिवार चलता है, ये आपकी दिनचर्या में शामिल है। लेकिन आप जहां भी रहें, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप अपनी पूजा पद्धति कोई भी अपना सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन ये सोच लेना कि जिस पूजा पद्धति से आप अपने भगवान को रिझाने का काम करते हैं, अपने मनोरथ पूर्ण होने की कामना करते हैं, यदि आपने किसी दूसरे धर्म के किसी भी व्यक्ति के दिल को दुखाया, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी प्रार्थना में कहीं ना कहीं बाल आएगा। और यदि आपने जितना सम्मान अपने परमात्मा और अपने इष्ट देवों का किया, दूसरे धर्मों का भी उतना ही आप सम्मान करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि परमात्मा आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और आपके मनोरथ सिद्ध करेगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कबीरदास जी के दो दोहे गुनगुनाना चाहता हूं कि चिड़ी चोंच भर ले गई। और मैं एक लाइन कहूंगा, आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं तो बड़ा मजा आएगा। मेरे बाद संकीर्तन का तरीका है, क्योंकि जहां संत इकट्ठे हैं और वहां संकीर्तन का थोड़ा अभाव रह जाए तो उचित नहीं होगा। चौंच भर सागर घटो ननीर चिड़ी, चिड़ी चोंच भर ले गई सागर घटो ननीर। बोलिए, चिड़ी चोंच भर ले गई सागर घटो ननीर। दान किए धन ना घटे कह गए संत फकीर कबीरा, कह गए संत फकीरा। हरिओम नमो नारायण। मैं परमात्मा को पुनः उनका वंदन करते हुए, आप सबको नमन करते हुए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। श्री कल की धाम और कल की पीठ की तरफ से आपको कभी जीवन रहा तो फिर मुलाकात होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जबकि दो लाइन की में आपने सुनाऊं, आपने मोहम्मद ने जो अलख जगाई राम वही वनवासी है, शिगड़ा धर्म बरोबर अठे कोई नहीं उदासी है। मंदिर मस्जिद मक्का मदीना कोई जावे काशी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सगड़ा भारतवासी है। एक खंडेड़े री माटी सब, एक खंडेड़े री माटी सब, फर्क पड़े क्यों प्यार में। मतलब बहुत सुंदर कवि कानदान जी, दो लाइन आपने आशीर्वाद साहब दी। अब एक आपके को जात पात्रो भेद क्यों है, मतलब आ क्यों समस्या है बी वास्ते है कि अपने एक संदेश सुधरो। मैं आप रे वास्ते बता रही हूं एक जगह, अपने हित स्वार्थ रे खातिर जे कोई मिनख मरावेला
सुख शांति और खुशियाली में जे कोई टांग अड़ावेला अपने हित स्वार्थ रे खातिर जे कोई मिनख मरावेला सुख शांति और खुशियाली में जे कोई टांग अड़ावेला भारत अखंड एकता माथे जे कोई आग उठावेला चीर फेंक दा काड काल जो आग फोड़ दी जावेला सीधी सनक देख मत लाडी धार तेज दुधार में जात पात रो विषमत घोली जीवन रसरी धार में जीवन रसरी धार में मनवार कटे मारवाड़ जड़ी मनवार कटे तो जोधपुर जड़ा दरबार कटे तो सिरोही जड़ी तलवार कटे दुनिया में एड़ी चर्चा है कि गंगा जड़ो नीर कटे गंगा जड़ो नीर कटे अर्जुन जड़ा तीर कटे तो तेजो जी जड़ा वीर कटे रे भाई तेजो जी संत नानक दास जी सर्वधर्म कबीर आश्रम के प्रमुख और छापरी डूंगरी बड़ी खाटू खाटू नाम ही जोरदार है नी खाटू पर तहां कहीं सुनाया हो तो कहीं रिद्धकरण जी सुनाया हो नी हाँ रिद्धकरण जी भी तीर सोखा चलाया कहीं तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज कबीरदास जी का जन्म मनाने के लिए पूरा भारत उमड़ा है और जैसे कहा गया कि सरकारी स्तर पर भी ये कोशिश हुई है कि जयंती मनाई जाए 618वीं जयंती कबीर और इस प्रोग्राम में अभी अभी बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया महामंडलेश्वर प्रबोध कृष्ण जी महाराज अच्छा था ना उद्बोधन ताली बजार स्वागत तो कर दो जोरदार ए महिलाएं बैठी थी कहने क्यों था ताली बीच बीच में बजाता रहा था ना गीत आवे कहीं कोई चोखो नहीं कबीर दास जी कोई आवे कहीं नहीं गणे तो को आवे नहीं मन लगे पण एक गीत अठे कोई गया करे बासा में थे के माने अब के बचा दे मारी माई बटाओ आवे लेवण में बो गाओ की थे कहने आवे जको अठार सुनाया मैंने ठीक है नी बो थोड़ो तो कबीरदास जी दर्शन पर टिकुड़ो है थे देखो बो जमाई आयो जिक्र को बियो को नी बो रोड़ो और है की नहीं आवे थाना आवे के नी कहने आवे अब गाओ को नहीं अच्छा मैं बताता हूं इनसे भी बात करूंगा और आपसे भी करूंगा कुछ यहां बच्चे भी बैठे थे भी निकल गए थक गया भाई मतलब काफी देर हो गई बैठा है उनसे भी बात करूंगा हमारे बाबा बालकनाथ जी जिनका जिक्र हमारे जमड़ा साहब ने हनुमान जी किया था ना एक बार वो हैं बालकनाथ जी बाबा एक सड़क बनानी अंशु अटे यार एक हालांकि भाटी जी बैठा है बना दे अपना अपन लिखनो तो है स्वामी जसमेर कल्याणकारी जी महाराज कल ही मेरे यहाँ थे मेरे घर पे दिल्ली में और उन्होंने जैसे सुना कि कबीरदास जी के कार्यक्रम में आप जा रहे हैं तो उनका मैं भी चलूंगा आज आए बहुत अच्छा ताली बजा के स्वागत करिए हरियाणा से आए हैं रामधन जी महाराज मेघवंशी जी बी एल भाटी साहब जो ओएसडी हैं माननीय मंत्री जी के और सुनने में आया कि सड़क भाटी जी था ही बनाई क्यों महाराज हाँ ताली बजार स्वागत तो करो जोरदार की और एक सड़क और मांगो नहीं है लेवन तो थे बचे सड़क तो है सड़क रहा आदमी आ गया धनी आ गया सड़क रहा आगे बढ़ानी है मेरे गुरुजी तीतरी गांव था ना नैडू जाए गुरु जी करें आप राठौर साहब का मंच पर रिद्धकरण जी पूर्व प्रधान साहब सूर्यमी हिमताराम जी भांबू मेरे संबंधी ये भी झुंझुनू से ये नानकदास जी आपकी ये तो राज्य स्तर की कॉन्फ्रेंस तो हो ही गई ये झुंझुनू से आए हैं देखिए शिव प्रसाद जी आ रही है रिटायर्ड एडीएम और इनके साथ मईराम जी पानीरा मोटा अफसर आ रेवड़ा पानीरा और भी दिखे हैं मैंने देखिए दो तीन चीजें
यहाँ आइए और कबीरदास जी का दर्शन भी यहाँ पूरा समझ में आया है, लोगों को बताया है। मैं रिद्धकरण जी की एक बात शुरू करूं, एक है मैंने अंग्रेजी आवे खोल ली और ये अंग्रेजी ने कितना शब्द बोल दिया, स्किन टच, ओ कोई मारवाड़ी शब्द है कहीं कहीं है, अंग्रेजी है, मोबाइल और मोटा मोटा पटुड़ा ने को नहीं आवे, इंटरनेट कहीं है, इंटरनेट की बातें भी यहां कर ली, माया कहीं कहीं इंटरनेट में देख रहा है, उड़ा है ये इंटरनेट माया है, देखियो कि माया की माया पड़ मत क्या करो कुक करो डंगरो रोड़ो को नहीं, कोई ज्ञान री बात देख सको क्या, कबीरदास जी कट जन्मे कहीं जन्मे भाई सब्जी जमी में फटाफट आ जाए। ये अनपढ़ लोगों को जो ज्ञान होता है, जैसे अभी बादशाह की और बीरबल की बात कही, कितनी जोरदार बात कही, अब ये अपना आपको चाहे रितकरण जी कहे मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे गुणवान आदमी गुणी आदमी रितकरण जी लगे मुझे तो यहां आज है लग गया था ना मन तो लग गया, वो तो यार वीर बुला लो किसो कई जगह सुना थानो कोई लेवड़ो तो को नहीं पक्को हाथ में तो कई जगह सुना इशारों से भी बात होती है। और जब ये बात कबीरदास जी के ध्यान में आई कि पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ज्ञान हम में ही है, तब कबीरदास जी ने एक दोवे से लोगों को समझाने की कोशिश की कि ज्ञान पढ़ाई में नहीं है, ज्ञान प्रेम में है, समझ प्रेम में है, मानवता प्रेम में है। और एक दोवे से साखी से समझा दिया, कबीरदास जी की साखी गीता के ज्ञान जैसी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयाना कोई ढाई अक्षर प्रेमरार पढ़े सो पंडित। तो धार तो पटुड़ा है ढाई अक्षर रितकरण जी, ते तो पटुड़ा ही मानो, यहां तो पटुड़ा मान ला नहीं, आज मान ला नहीं तो ताली बजार स्वागत तो कर दो यार रितकरण जीरो प्रधान जीरो। अब मैं एक कबीर यात्रा में गया और मुझे कहा कबीर का ज्ञान एक दो में बताओगे आप, चैलेंज मेरे लिए भी, जैसे कहा इन्होंने कहा आप लोकसभा में बहुत बोलते थे, पहला विपक्ष में आ जाने बोलता ही है, हमें सत्ता में आ गया जन करने रो काम है, ये वास्ते सरोवर वाला वो ड्राइवर सीट में था क्या, मैं तो था कहीं भी, तो मेरे को कहा कि एक ऐसा कोई दोवा जिसमें कबीर का दर्शन समझ में आ जाए, मैंने कहा तो हर दोवे में दर्शन है। तो किसी पत्रकार ने पूछा, पत्रकार बैठा भी है कहीं है नहीं भाई जी, सनाम दियो तिवाड़ी जी है नहीं है, हाँ सुजला लागूड़ा अभी मैंने, तो मैंने कहा भी एक दो भाई ऐसा आपके समझ में आ रहा है क्या, क्या नहीं, हमें लगना चाहिए कि एक दो से आपको ऐसा अनुभव हुआ, मुझे तो हुआ, क्या है, आदमी जन्मता है और मरता है, ये जीवन है, बड़ा होता है, शादी करता है, युवा अवस्था आती है, थोड़ा बूढ़ापा आता है, ऊपर चला जाता है, दर्शन समझ में कई बार बहुत पुस्तकें पढ़ने से भी नहीं आता, लेकिन तो मुझे तो दर्शन कबीरदास जी के एक दोवे से समझ में भी आ गया और दोवा भी स्कूल में ही सीखा था, गुरुजी जब संगीत में सीखा था जब बटी सीखा और उससे भी मुझे दर्शन समझ में आया कि दर्शन यही है जो कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कबीरा जब हम पैदा हुए, भी सुनो सावलो और इस दर्शन है अपन जो कबीरदास जी अनके के ने वो कह रिया नहीं कहीं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, टावर पैदा वजन कहीं करे, पहला पहला आवाज कहीं है बीरी, कहीं बोले वो बोले कहीं करे वो रोवे नहीं, हाँ आज कह रिया था कबीरदास जी कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ये महत्वपूर्ण शब्द है, ये संसार कर्म प्रधान है,
आप जितना अच्छा कर्म करोगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। आडंबर में कुछ नहीं पड़ा, पाखंड में कुछ नहीं पड़ा, ये कबीरदास जी ने कहा, एक ही दोहे में सारा ज्ञान। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अरे बहुत चोखो आदमी यार, कट चल गयो यार, तू बेगू चल गयो और कनी कनी के जावाज ना पाएंगे। अरे ठीक है यार, गे प्रो तो ये दर्शन समझ में आ रहा है ना कबीरदास जी का, यही दर्शन है। एक बार मैं किसी गांव में बैठक में गया और गांव का ज्ञान भी मैं लेता हूं कि गांव में किस तरह की लोग चर्चा करते हैं और दर्शन है गांव में। तो कोई बैठक में गया, मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा क्या हो गया था, कैसे होता ही है। उन्होंने कहा सास सुर निकली, एक आदमी बोली। मैं यार आ बोलने कहीं जरूरत नहीं, नहीं आ जरूरी है कहीं के, एक बार कहीं हो कबीरदास जी खने, कबीरदास जी खने कई जना गया के कबीरदास जी थे तो भगवान हो, और फिर था ना चिंतिया कारी लागी है ना, तीन चार दिनों थे चिंतिया में हो जन। कबीरदास जी दो से समझाता हर चीज, दो में साखी से समझाते थे, लोग लिखते थे, और उनकी साखी इतनी महत्वपूर्ण है, कितने ही पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर चुके कबीरदास जी की साखी पे, एक एक साखी के कई अर्थ, जैसे गीता के श्लोक के कई अर्थ हैं ऐसे। तो कबीरदास जी ने क्या कहा कि चिंता तो है पर थे तो भगवान जिता ही हो, मोटा मोटा आदमी हो सब समझो, फिर चिंता कहां रही जनबिया कहो। और गांव रा आदमी कह रही हो बोलो, मैं एमपी अबार मंत्री बने हूं जी, आप पहला ही बात करूं, एक एमपी हो बट गयो बट बैठक में गांव रो आदमी मैं समझूं, और दर्शन कोई ठेको ले उड़ा को नहीं पटुड़ा ना के कोई पटुड़ा भी नहीं ज्ञान है। तो वो कहीं कहे के कबीरदास जी आप चेला ने कहीं कहो और समझायो के चेला था चिंता मत करो, पर मने आज चिंता जरूर है के कहीं के कबीरा और तो सब सजी, हूँ तो मोटो आदमी हो गयो, काशी में मानी जन लागो, पंडित भी मैं डरन लाग गया, आडंबरों में विरोध करियो, हिंदुओं ने भी कहो और मुसलमान ने भी कहो, तो कहन की कोनी बोले हमारे सामने इतनी सजी मारी। आज कोई बोल सके कहीं जी कबीर दास जी बोलिया जी, इतनी हिम्मत हो तो हो सके कहीं, कितना कितना बोल गया कई चीजा। थे सतपाल जी का कहता नहीं कि बे धर्म ने भी किंग, बे धर्म ने नहीं बे पाखंड ने कहता, जब धर्म में पाखंड घुसता है आडंबर घुसता है तो वो धर्म धर्म नहीं, वो फिर एक संप्रदाय की श्रेणी में आ जाता है। धर्म तो मानव धर्म को मानते ही थे कबीरदास जी, तो उन्होंने कहा भाई कबीरा और तो सब सजी और एक रही मन मान कि जमसू झगड़ा चाल सी जन इज्जत रहे कि ना, इरी चिंता है बने और गेरी चिंता को नहीं। तो कबीरदास जी ने अपने चेलों को ही समझाया कि सांस भी प्राण भी जब जाए तो चिंता में नहीं जाना चाहिए, उसकी चिंता नहीं आया जाएगा प्राण निकलेगा, इसलिए आप चिंता मत करो। आप कई बार चिंता कर ले तो मैंने समझाया ये चिंता मेरे अंदर लेकर के मैंने कहा कि आपके सब कुछ सजी होगी, लेकिन ये अगर चिंता है तो होनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रकृति से मिल जाएंगे, अगर आप परमात्मा से मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो प्राण निकलने का जो तरीका है वो भी सरल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कह दी साहब, छोटी सी बात, छोटी लागे थाने कनी कनी कोई कहवे नहीं कहे हमें तो राम जी उठा ले तो ठीक है, यहाँ कनी कनी जाओ जन कहवे नहीं कहे, बूटी औरतां भी कहवे मुंबले ने जाऊं कनी, मगर दादी किया हो कह हमें सिकला देख लिया, ब्याह भी देख लिया और पोतीरो भी देख लियो, हमें तो राम जी उठा ले तो ठीक है कहवे नहीं, यही ज्ञान कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरा और तो सब सजी, एक रही मन मां जमसू झगड़ा चाल सीजन इज्जत रह ही ना, ये गांव का आदमी कह रहा है महाराज जी, मुझे कोई विद्वान नहीं कह रहा है, गांव का कह रहा है। मैं उस गांव के दर्शन को आपके बीच में बता रहा हूं कि सबके पास ज्ञान है, किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। कबीरदास जी ने कहा है कि पढ़े लिखे लोग ठेकेदारी करने लग जाते हैं कि ज्ञान हमारे ही पास है, रिद्धकरण जी खने भी ज्ञान है और नानक दास जी खने भी ज्ञान है और थारों का ही नाम है, था खने भी ज्ञान है।
कहीं नाम है थारो ए आगे आगे बैठा जगह अरे बिटिया ए बैठा नहीं है इंद्र ने भौर सिंह ने भी माता जी बैठा है नहीं यार कहीं नाम है थार का हाँ थार का ही नाम है रिमकू देवी खने भी ज्ञान है भाई जिमकू देवी खने भी ज्ञान है ज्ञान सबके पास है। कबीरदास जी ने कहा इस ज्ञान को तो फिर चेलों ने कहा साहब हम तो अगर अगर हम हमारे हिसाब से मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं हमारे हिसाब से हम राम का नाम नहीं ले सकते हैं तो लेने का तरीका बताओ। तो कबीरदास जी ने कहा है क्या सिस्टम आप खेत नहीं जोतते हो क्या। कबीरदास जी हर जो ग्रामीण परिवेश का आदमी था उसको समझाने की उनकी कला बहुत तेज थी। उन्होंने कहा राम नाम की खीज है और खीज सके तो खीज भूमि पड़ियो उल्टो सुल्टो उगसी और भूमि पड़ियो बीज ते बीज ने हल में क्यों घाल दो उल्टो घाल दो और सुल्टो घाल दो मैं भरी सीजन तो भाई जी उगी बतो हमने ले रोटी में पहला ले रोटी में बाद में ले तो शुरू करो। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट अंत समय पछताएगा जब प्राण जन भी बो कहो कहीं अब के तो बचा ले मारी माए बटा हुआ आयो बटो आवे नहीं थार कहने कहीं कहीं ले ना आवे जन थे टाबर ने कहा नहीं भेजा को नहीं भेजनी पड़े भेजनी पड़े। हिमताराम जी पेड़ लगा करके इस पूरे क्षेत्र में अमर हो गए। ये कर्म ही तो है और क्या है। कोई आदमी नशा पता छोड़ करके ज्ञान की बात करता है श्री राम शर्मा जिनका आपने जिक्र किया गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य श्री राम शर्मा साधना के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ और पाखंड तोड़ने में भी श्रेष्ठ। तो ये गुटका गुटका खाने या बाता करी धान समझ में आई छोटी बात को तीन मोटी ही बात थे खाओ गई गुटका खाया मती ना जर्दो फांकियां फांकियां तो खाओ फांकियां तो बिलकर सा फांकियां गई बेजु ब्याम कोई जमाई आवाज ने बांटो और गीत गाओ जन बे तो बिलकर है बीम कोई दिक्कत कोन आप पर किरचा फांकिया खाऊं दाला आदमी कट जर्दे में गेप रहा है कहां जर्दा शुरू कर दिया आपने अपना ये कर्म अच्छे करने हैं जैसे ये पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। सामाजिक समरसता का जिक्र आया आज हमारे प्रबोध कृष्ण जी कह रहे थे मेवाड़ की धरती का मीरा का नाम ये मीरा के जाने वाले हैं। देखिए स्वामी जी हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सामाजिक समरसता थी हम कह रहे हैं तोड़ी किसने मीरा राज घराने से और जब गुरु करती है तो रैदास को गुरु करती है। सामाजिक समरसता है या नहीं है। है ना। मैं बीकानेर से आता हूं करणी माता बड़ा नाम मातृशक्ति में देवी में लेकिन पर्यावरण की रक्षा में उनके साथ एक आदमी खड़ा उसका नाम है दशरथ मेघवाल खड़ा है ना हमारे देशमुख में उनकी मूर्ति है। सामाजिक समरसता रामदेव जी और बैन बनाते हैं डालीबाई को सामाजिक समरसता हमारे यहां तो रगों में भरी हुई है जी। ये तोड़ी किसने ये विषय महत्वपूर्ण है। टूटी कहां से किसने तोड़ी ये महत्वपूर्ण है। इसलिए पेड़ के बारे में जिक्र आया इसलिए कबीरदास जी का एक भजन है। भजन तो मैं गांव को नहीं गांव तो वो दूसरी चीज है थे तो गांव नाला हो ही खेत तकड़ा खाटू में बैठा हो जन कीन कीन क्यों नहीं पड़े। लेकिन कबीरदास जी क्या कह रहे हैं अब खाटू एक बात याद आ गई बा बट मैं सुना ही नहीं जित लिया जी प्रोग्राम में थे आको नहीं सुना ही नहीं बात खाटूरी खाटूरी बात तो बहुत जोरदार है। मैंने कहा मैं एक बार कनाडा गया तो वहां मैं इंडो कनाडियन रिलेशन पे बोल रहा था। एक आदमी मेरे पास आया और मारवाड़ी में बोलने लगे और मैं क्यों तो आप आदमी बैठ कर आई हो
वो के भाई जी थे तो वो गीत सुनाओ मरु दुर प्यारो मारो देश था ना कहता भाई बिना बोलन दो इंडो इटालियन रिलेशन कह तो मैं सीख जाऊं सिकला बोल ले हां कनाडियन रिलेशन में मार्बल बनावार बेचार करा मैं तो बात है भैरू रतन स्कूल में गीत सुनाएं बहुत सुनाओ मैं क्या यार भैरू रतन स्कूल में थारे का रिलेशन है वो बोलियो कि मारो पोतो पढ़े मैं झूठ बोले यार पोतो री बात बट स्कूल ही को नहीं स्कूल तो लड़कियां रही है कहने नहीं लड़कियां रही है पर मारो पोतो भी लड़की के साथ है मारे बाप पोती ये भी बटे भी साथ गयो तो मैं यार तुम कनाडा में रहवे वो बीकानेर रहवे पोतो और थार साथ ये सी बात हुए कहीं कहा मारो पोतो खुला है मैं अब यहां मैं थोड़ा आपको ज्ञान देना चाहता हूं अपन क्या करते हैं अपन समझते हैं कि पोते को तो कोई ज्ञान ही नहीं है और पोता समझता है दादे को कोई ज्ञान ही नहीं है और रुलो पोती समझती है दादी को कोई ज्ञान नहीं है और दादी समझती है कि पोती को कोई ज्ञान नहीं है दोनों को ज्ञान है मैं कह रहा हूं ये कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करना चाहिए इसलिए मैं इस कथा में उसको याद करता हूं फिर मैंने कहा कौन सा गाना तो उन्होंने कहा वो मरदुर प्यारो मारो देश वो मैंने वहां गाया कनाडा में और उसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया उसके भाव हैं आई लव माय कंट्री मरुधर प्यारो मारो देश बालो लागे से मतलब आई लव माय कंट्री बाद में मैं इंडिया आया तो मुझे बहुत फोन आए कि आपने कौन सा गीत गाया था टीवी में चल रहा है मैं कि कहीं इसको कहीं गा दियो मैं जो टीवी में चल रहा है पता था पड़ियो कि एशिया टीवी है अमिताभ बच्चन भी उसमें कुछ है तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा गाना है आई लव माय कंट्री इसको चलाओ या वो एक थे के वो पेड़ आलो चालियो कटे कटे फोटो कटी की वाला तो वो उन्होंने कई जगह चलाया एशिया टीवी वहां चलता है यूएस कनाडा लैटिन अमेरिका एशिया टीवी और उसमें मेरा एक गीत कि ये राजस्थानी भाषा का एक गीत है जो कहता है आई लव माय कंट्री उसमें खाटू का जिक्र है उसमें खाटू का जिक्र है एक अंतरा सुनाऊंगा जिससे वो खाटू का एक आदमी था खाटू के आसपास वाला वो नाचने लागियो मैं के कहियो के खाटू रो नाम आयो ने नाम से फर्क पड़े भाई जी मैंने जैसे ही ये शुरू किया कि खोखा माने खोखा जानो गए आजकल कहरे लागे है केजी जी मैंने कहने के खोखा तो आजकल नेता जाने क्यों बे को दूसरा मैं नहीं थे तो मुंह कौन जान थे जान लागे कि हां बस बस जाना बे आप बिन मैं पढ़नो को नहीं अपन बिन ध्यान रखे भी खोके में पढ़नो को नहीं खोखा माने लागे चोखा खेजड़ ल्यारा खजू प्यारो लागे सा ओ मरुधर प्यारो मारो देश माने प्यारो लागे सा अभी संतरे से आपको समझा रहा हूं मारी घराली तो मैंने रसोई में खन्ने बैठ जिमावे थे किया करो जिमाओ रोटी चूर देवो कि देवो और चूर रोटी जिमे नहीं भी में आनंद अलग है और चमचो अपन हो ही को निकट हुआ क्यों चमचो अपन हो गई पहला चमचो डोइलो तो बाप भी में घालने रहो जीवन में थोड़ी हो डोइलो थे माया मुंडम थोड़ी घालता आपने संस्कृति में आपानी धर्मपत्नी जिकेरी बीबी रोटी चूर देती और पति देवता खने बैठ जीमता और चूरी रोटी में आनंद आतो और भी खानो भी पसा तो डेकार भी आ जाती और भाई जी बब गैस घुस बड़े नहीं बाबी को नहीं होती तो था बंद किया कर दियो मैं आजकल यहाँ आज कबीरदास जी की जयंती पे प्रण लो कि हम अब चूर की रोटी की मान जिलाएंगे ये कह रहा है ना कवि कह रहा है ना ये यही तो कह रहा है कि हमारी संस्कृति कैसी है हमारे फ्लोरा और फोना कैसे हैं ये खेजड़ी हमारी फ्लोरा और फोना जिसको तुलसी कहती थी तुलसी कहते हैं हमारे लोग खेजड़ी में 363 अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया वो धरती है ये
363 लोग किसको कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन बाद में हुआ, हमारा खेजड़ली का आंदोलन पहले हुआ। प्राणों की रक्षा की परवाह किए बिना पेड़ों की रक्षा करने में अमृता देवी लगी, 363 लोग शहीद हो गए। वो धरती है, ये इस धरती में बैठे मारवाड़ उसको बोल रहे, वो खेजड़ली है, उसके लगते हैं खोखा और फोक लो जाना राय तो बनाओगे थे आजकल, फोक लो गले करो बिरमाया बीस कहीं वे आज की गैस गुस बने नहीं बंद हो जा। अरे हुए कट ले लिया करो, मारा टू मंगा लिया करो, बीका नहीं भाई जी नेड़े यहाँ कहीं यहाँ। अरे हुए नहीं कह सतपाल जी, फिर मैंने जैसे ही नाम लिया वाह कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ कनाडा की, और एक खाटू रे खन्ने रो नेडो रे आदमी हूँ भूल गयो नागौर खन लो बैठ मार बोलो काम हो गया। और थाने तो कोई किसों गांव है मकराने खन्ने आगे स्टेशन भी है भी रे बोरा उड़े गई हाँ बटे रो बो जाए खाटू रो नाम लियो नाचन लागे मैं भाई जी इतना किया नाचो वो खाटू रो ही तू। तो वो कवि कह रहा है कि ये मेरा देश और हमें अच्छा लगता है, पहले लोग बाहर जाते थे कहाँ जाके भाई जी परदेश जावा बट हूं आ जाता दिशावर जावा बट हूं पाछा आता जन कहीं का देश जावा तो देश ही। और देश में शहर कौन कौन से क्या क्या कल्चर के शहर है, सर्दी में कौन सा शहर अच्छा है, गर्मी में कौन सा शहर अच्छा है, ये कवि कह रहा है कैसा सियाड़ो खाटू भलो रे उनाड़ो वो कभी कहां का था मुझे पता नहीं, खाटू आयो नहीं आयो मन ठाकुर पर हम देखो पहाड़ियां लागे नहीं इमें धान मन लागे सियाल में सर्दी की कम पड़े है नहीं कम पड़े है नहीं। जिके सुन भी कभी खाटू रो जिक्र करियो और जिके हूं नानक दास जी अठे आश्रम बना निर्णय लियो सोची सियालो खाटू भलो रे उनालो आज में सदा सुरंगो मेड़ तोरे सावन बीकाने माने प्यारो लागे सा ओ मरुधर प्यारो मारो देश मान प्यारो लागे सा। उस कवि को भी धन्यवाद देता हूं जिसने ये गीत गाया, शब्दों को भी जिसने चयन किया उनको धन्यवाद देता हूं, और अमिताभ बच्चन को भी याद करता हूं कि मेरे इस गीत को एशिया टीवी के माध्यम से 3 दिन तक अमेरिका कनाडा लैटिन अमेरिका और राजस्थान रो गीत चालियो आई लव माय कंट्री मैं मेरे देश से प्रेम करता हूं। अब कबीरदास जी पेड़ पर कहीं गए वो भजन गाऊंगा वो सुना था ना, और जो थोड़े बहुत कि चाले नहीं थार झगड़ो चाले कि सासु बहू में चाले चाले थोड़ा यहाँ चाले ये थारे चाले थोड़ थोड़ चाले थारे चाले नहीं है जुमकी जी थारे चाले ला रहे बीर माता कबीरदास जी कहो पेड़ ने समझाने वास्ते और थाने समझाने वास्ते कि थारो कहीं सासु बहू और झगड़ो चाल तो वे नहीं और थाने भी समझाने वास्ते कि पिता पुत्र का कोई झगड़ा चल रहा हो भाई भाई में कोई झगड़ा चल रहा हो क्यों झगड़ा करें हम पेड़ से क्यों नहीं सीख सकते। ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम पेड़ से क्यों नहीं सीख सकते, क्या कह रहे हैं कि मन रे तू वृक्षन की मति ले हे मन, मति मतलब बुद्धि, हे मन तू पेड़ जैसी बुद्धि क्यों नहीं लेता, अगर तेरे को सौहार्द रखना है जीवन में तुझे ठीक होना है जीवन में तुझे अपना नाम का नाम आया जीवन में तू चाहता है मेरी प्रसिद्धि हो तू चाहता है कि मैं बहुत लोकप्रिय हूं तो पेड़ जैसी बुद्धि लेनी चाहिए क्या मन अरे तू वृक्षन की मति ले से बैर नहीं है। कोई आदमी पेड़ को काटता है तो वो बैर रखे गई रख क्या इम्तार आदमी देखो कभी रखे
रूंखड़े रो बार बार नाम लेता, रूंखड़ो भी प्राणी है। अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तय किया है, नदी भी खाली नदी नहीं, पानी चलने का प्रवाह नहीं, नदी भी प्राणी है, इसलिए पुलिस को उसका भी प्राणी की रक्षा करने का प्रबंध करना चाहिए, पेट्रोलिंग करनी चाहिए, पुलिस की गाड़ियां लगानी चाहिए। अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फैसला किया, नदी को भी प्राणी माना है। और हमारे यहां तो बसु हुए हैं वैज्ञानिक जिन्होंने कहा है पेड़ तो प्राणी है, जब हम काटते हैं तो खून आता है, ऐसा बसु कहते हैं। ये ऑक्सीजन जो मिलती है वो कहां से मिलती है? वो पेड़ से मिलती है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि तू अगर बहुत प्रसिद्धि पाना चाहता है, अच्छा इंसान बनना चाहता है, तो पेड़ से सीख। क्या मन रे तू वृक्षन की मति ले, बैर नहीं है सींचे जिससे ने। कोई आदमी पेड़ को काटता उसे वो बैर नहीं रखता, और कोई उसको पानी देता है उसे प्रेम भी नहीं रखता। काटे जिससे बैर नहीं है सींचे जिससे ने, जो कोई उसको पत्थर मारे ताहू को फल दे मन रे वृक्षन की मति ले। तो हम कोई बीन नहीं बोले नहीं, उल्टी सीधी तो दे तो कह कर ले अट आजा खन्ने बैठ जीम तू तू तो मारे घर री बहु है धनियाणी आई कह सको कहीं इतनी हिम्मत राख सको कहीं तकड़ो करना पड़सी थाने। और बीनने ने भी समझाओ के बे ठेकी के हो तो बे आर्ज के क्यों लसासू जी लड़ो पेड़ू सीखो। पेड़ आए तो उसको फल देता है, तो थाने भी एक फल देवनो चाहिए कोई ना कोई। अच्छा थाने एक बात बता दूं, थाने थानो झगड़ो एक है हुए थे मैं आगे सुन एक मुंह मंत्र देऊं थाने वो से पढ़ लिया हुए कौन झगड़ो। एक बार एक महिला गई एक साधु के पास, साधु बैठे हैं काफी, साधु ज्ञान देते भी हैं समाज में, समता भी रखते हैं। उन्होंने कहा मेरी सासू बहुत झगड़ती है मेरे से, कोई मंत्र देवो ना। तो मानी नहीं वो, कई देर बाद उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं लाता हूं अंदर से। अंदर वो गए और एक तो मटो के ओ मीठो है गिटकनो कोनी चबानो भी कोनी, ज्याय थारी सासू बोले ओ माया गाली मुंडे में तू गिटकनो कोनी चबावनो कोनी। और जितिया आप ही आप गिटको गिटको धीरे कम हो जावे नहीं जित तई फिर बाद में बोली क्यों मंत्र है कहा इस मंत्र है मारे मंत्रुड़ है वो गोलो और ले ले तीन चार गोला ले रखे। जय सासू बट गई जोर बोली अरे कदे कभी साधु याद आ गया जन वो गोलो मैं घाल ली। अब वो गुटकड़ों को तो नहीं बस साधु बोलती गई ये देखिए आज बोले को नहीं कहीं चक्कर है हूँ उत्ती रोला करूँ तो भी बोले को नहीं। अब सामा बोले कौन जन अपना भी सासू चुप हो गई और चुप हो गई और वो गोलो क्या 10-15 मिनट में गिटीज गयो। एरका बोली के बेदनी तू तो सूती होगी भाई हमें हूं आके हूं गोल रोलो करूं कौन वो तो मंत्र तो सुई जो है सुई काम करना है कहीं है कि अगर बेदनी बोले तो थाने तुरंत नहीं बोलना 15-20 मिनट थाने बोलने को चुप हो जाओ और थे बोलो तो बिंदनी ने भी 15-20 मिनट सामा जवाब कौन देना कहीं थार कहीं खून गर्म हो बीपी आई उड़ो है कोई सामा बोले का बोई बोले लड़ी जाए बस 15-20 मिनट तक चुप अपना भी जैसे ही ब्लड प्रेशर ठीक होगा झगड़ो समाप्त। पेट चराया मगर में मोदी जी ने जब मगर को देखा तो पता चला मगर वो स्थान है जिसमें कबीरदास जी ने कहा काशी में तो सभी कहते हैं कि यहाँ अगर कोई प्राण त्यागता है तो स्वर्ग मिलता है, मगर में कोई प्राण त्यागता है नरक मिलता है। तो उन्होंने कहा मैं तो कर्म में विश्वास करता हूँ, मैं रहा काशी में लेकिन मगर में जाकर के प्राण त्यागता हूं, देखते हैं स्वर्ग मिलता है कि नरक मिलता है। ये जीवन भर पाखंड को तोड़ने का काम कबीरदास जी करते रहे, इसलिए मगर गए। मगर में पीछे पीछे चेले भी पहुंच गए और उसके बाद जब अंदर कुटिया में गए काफी देर बाहर निकले नहीं तो लोगों ने कहा क्या हुआ, जाकर के अंदर देखा तो कुछ नहीं दो फूल थे, एक फूल को उन्होंने मुसलमान ग्रुप ने ले उठे और एक हिंदू मुसलमान हिंदुओं ने ले उठे, दोनों ने अपने अपनी जगह वहां बना रखी है। अब मगर जाकर के देखना, लेकिन किसी ने डेवलपमेंट की नहीं सोची। वो ऐसे महापुरुष थे जाते हुए भी पाखंड तो तोड़ने का काम कर गए मगर गए। और मगर में जो आश्रम अब बन रहा है
स्वामी जी बता रहे थे, अभी हमने वित्त मंत्रालय ने 24.5 करोड़ 50 लाख रुपए उसके जारी किए हैं। कितना बड़ा सर्किट बन रहा है, किसी ने सोचा नहीं था कबीरदास जी पे इतना बड़ा काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर से कर रहे हैं। और आपने चूंकि यहाँ कहा है कि कबीर सरोवर बनना चाहिए, बनना चाहिए जाएगा ही कटे सरोवर, तो थाने साल संभाल भी करनी पड़ती, कार सेवा भी करनी पड़ती, करी कहीं कार सेवा तैयार बैठा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो संस्कृति मंत्रालय है, कल मैं महेश शर्मा जी से बात करके आया भी हूँ, उन्होंने कहा अगर आप कबीर जी के स्थान पे कहीं जा रहे हो तो आप मंत्रालय से, हम इसमें कबीर जी के स्थान को डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट बना के आप दीजिए, हम आपके प्रोजेक्ट को चाहे कितने ही पैसे लगे उसको हम कल्चर मंत्रालय से मंजूर करवा देंगे, चाहे 15 लाख लगे 20 लाख लगे कितने ही लगे आप बना के दीजिए, हम मंजूर करवा देंगे। और चूंकि मुझे आपने आज यहाँ बुलाया है तो मारो कोटो भी रितगण जी, आजकल बारे भी लागन लागे थोड़ थोड़ कि कर दियो बारे लागन, तो बीकानेर में हूँ मारो कोटो दे सकूं, बड़े नागौर पड़ोस में है और कबीर जी आश्रम है, इसलिए मेरे कोटे से भी मैं 10 लाख रुपए यहाँ देने की घोषणा करता हूँ। अब नानक दास जी इस 10 लाख में क्या करना चाहते हैं, कोई सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं या उसी में कुछ मदद करना चाहते हैं, तो जैसा भी आप करना है वो कर दीजिए। और जो आपने सड़क का लिया है, सड़क एक नाबार्ड की योजना है जिसको हम RIDF बोलते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। भाटी जी यहाँ बैठे हैं, यूनिस खान जी से बात करेंगे, हम नाबार्ड के चेयरमैन से बात करके सड़क एक नहीं, चूंकि मैं यहाँ आया हूँ, 5-7 सड़कें आप लीजिए नाबार्ड में, 5-7 सड़कें में यहाँ जो मिसिंग लिंक के रूप में या किसी योजना में बन नहीं सकती या नहीं बनी, उन सड़कों को बनाने की भी घोषणा करता हूँ नाबार्ड से, प्रस्ताव यूनिस खान जी भिजवा देंगे, भाटी जी बैठे ही हैं यहाँ, प्रस्ताव बन रहा है ना भाई, हाँ तो यूनिस खान जी नागौराला भी साथ जुड़ जाए, हालांकि उन्होंने भेज रखे हैं पहले तो करीब 920 करोड़ है, कितने वो तो हो गए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने चेयरमैन से बात किया, मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, आप RIDF में प्रस्ताव भिजाइए, सड़कें भी यहाँ 4-5 बननी चाहिए, कहीं किसी गाड़ियां, अच्छा बड़ी खाटू में ट्रेन, मैं देखा थे घटे ट्रेन खाटू में रुको ट्रेन चलो। अब एक विषय मोबाइल का आया, बैंकिंग का आया, मेरे मंत्रालय से जुड़ा भाई रितगण जी ने कहा, देखिए 6 बड़े बैंक थे जिनको मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया है, और जिनको कुछ लोन लेना है, सेवाएं लेनी है, उसके लिए कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन जिसको पैसे जमा कराने निकालने उसके लिए ये शर्तें नहीं थी। कोई भ्रम फैला रहा है तो हम उसको दूर कर देंगे, या LDM से बात करके, कलेक्टर से बात करके उनको दूर कर देंगे, भी ये क्या कह रहे हो आप लोगों को, क्यों भ्रम फैला रहे हो, जब हम कह रहे हैं बैंकों में पैसे रखो फिर ये शर्तें काहे की रख रहे हो, ये किसी को लोन लेना है उसके लिए था कि कुछ थोड़ी बहुत राशि जमा हो तो ठीक रहेगा, और कोई विषय नहीं था इसमें। दूसरा विषय मोबाइल का आपने जिक्र किया, मोबाइल आजकल बैंक हो गया है, और मोबाइल खाली बैंक ही नहीं हुआ है, आने वाले समय में यहाँ किसान क्षेत्र काफी बड़ा है, किसानों किसान वर्ग भी बैठा है, एक विषय ऐसा आ रहा है, अभी भारत ने 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़े ना, तो भारत की बड़ी ताकत हुई सैटेलाइट में 104 की हुई कि नहीं हुई, ताली बजा करके वैज्ञानिकों को बधाई दें, धन्यवाद दें, उसमें हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा विचार है सरकार का, मोदी जी का ऐसा मन है कि एक सैटेलाइट एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेट हो जाए पूरा। और उसमें कई बार होता क्या है कि आपके यहाँ प्राकृतिक आपदा हुई, ओले पड़े तो कभी पटवारी नहीं आता, कभी ग्राम सेवक लेट पहुंचता है, कभी टीम नहीं आती, और उसका जो ताजा पिक्चर है खराबे का वो नहीं मिल पाता है। 10 दिन बाद पटवारी जी गए, तहसीलदार जी गए, तो वो किसान को कहते हैं यार तो खराब हो लागे कौन, वो कहे मारो खराब हो तो घड़ी हुई हो देख लो, ताजा पिक्चर लेने की कोई व्यवस्था हमारे सिस्टम में नहीं थी। मोदी जी ने ये सोचा है, मन बनाया है कि
हम स्मार्टफोन देंगे, पायलट प्रोजेक्ट पे इसको शुरू करेंगे, किसानों को जल्दी देने वाले हैं। किसान को हम स्मार्टफोन दे देंगे, जैसे रितगंज जी कह रहे हैं कि बच्चे चलाने लग गए, उनको कहेंगे कि जैसे ही खेत में खराबा हुआ आप इसका पिक्चर खींच लीजिए, एक्स या वाई दबा करके बता देंगे कि ये दबाने से पिक्चर आ जाएगा ताजा। पिक्चर जब ताजा आ जाएगा तो एक बटन होगा, उसको दबाने से वो सैटेलाइट पहुंच जाएगा और सैटेलाइट से प्रोसेस होकर के कितना खराबा हुआ है उसका सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट होगी दिल्ली में, वहां पहुंच जाएगा। वहां एक एनडीआरएफ का एसडीआरएफ के नॉर्म्स होते हैं कि अगर खराबे से इस खेत में 7 बकरियां मर गई तो इतना पैसा मिलेगा, 2 भैंसे मर गई तो इतना पैसा मिलेगा, खड़ी फसल खराब हो गई इतना पैसा मिलेगा, खड़े में फसल थी खराब हो गई इतना पैसा मिलेगा। उसको कैलकुलेशन करने के लिए पटवारी और ग्राम सेवक की जरूरत नहीं रहेगी, वो और प्रोसेसिंग करके और कलेक्टर नागौर को दे देगा और कलेक्टर नागौर रुद्रकरण जी के खाते में जब वो प्रोसेसिंग करके कहेगा कि 3 लाख का नुकसान हुआ है, 2 लाख का हुआ है, 70,000 का हुआ है, तो रुद्रकरण जी आपके खाते में अपना आप ही आ जाएगा, पटवारी और ग्राम सेवक के आने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं, इसलिए 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगुनी करना चाहते हैं। आज अगर किसान महीने में 10,000 कमा रहा है तो 2022 तक मोदी जी कहते हैं उसकी इनकम 20,000 होनी चाहिए। आज अगर वो 20,000 कमा रहा है तो 2022 तक 40,000 होनी चाहिए। आज अगर वो 40,000 कमा रहा है तो 2022 तक 80,000 होनी चाहिए। 2022 क्यों? 2022 वो साल है जब देश अपने आजादी का 75वें साल का जश्न मनाएगा। 75वां साल, 75 साल हो जाएंगे आजादी को। थान साधियां सिगला लोड़ी है क्या गणेश जी की लोड़ी है ला 25 साल रो फंक्शन बनाओ तो भी ने कहीं बोलो थे कहीं बोलो सिल्वर जुबली बोलो नहीं हाँ बोले यार मनाओ दिखे 50 साल मनाओ तो कहीं बोलो गोल्डन जुबली और 75 साल रो मना 75 साल ला तो मिले को नहीं गणा सा कब है 75 साल रो मनाओ तो कहीं बोलो डायमंड तिवारी जी बता दिए मोदी जी विदेशी नाम नहीं दिया है इस 75 साल के फंक्शन को। क्या कहा है? ये देश 2022 में अमृत महोत्सव मनाएगा। हर घर को छत मिलेगी, हर आदमी को छत मिलेगी, किसानों की इनकम डबल होगी, कोई भी भूखा नहीं सोएगा, हर हाथ को काम मिलेगा, रोजगार के अवसर इतने सृजित हो जाएंगे। ये सब बातें मोदी जी बराबर कह रहे हैं। 2022 जब आएगा तो ये देश अमृत महोत्सव मनाएगा। अमृत वो होता है कि जो भी अमृत चखता है अच्छा लगता है। तो 2022 के जश्न की तैयारी में मैं नानकदास जी को कहता हूं कि बीच बीच में आता रहूंगा, लेकिन 1-2 साल का तो मैं नहीं कहता, लेकिन 2022 से पहले बढ़िया आपका यहाँ कीर्ति स्तंभ और बढ़िया सरोवर बन जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। पैसा हम मंजूर करवा देंगे, प्रोजेक्ट आप बढ़ा के दीजिए, इसलिए क्योंकि कबीरदास जी ने सरोवर के बारे में भी कहा तरवर सरोवर संत जन, ये कबीरदास जी का नहीं का कह रहे और गुरु जी कह रहे कबीरदास जी भी तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षण में परमार्थ रे कारण चारों धारी दे। मैंने भी भग मैंने भी दे मानी होगी यहां सरवर इसको भी देधारी इंसान माना है। तरवर खेजड़ा हो नीम हो पीपल हो इसको भी देधारी इंसान माना है कबीरदास जी ने और मे को भी मे नहीं आओ तो रोड़ो घनो जाने इसलिए कहा उन्होंने तरवर सरवर संत जन जितना संत बैठे हैं इनका क्या काम है यहाँ क्या स्वार्थ है क्यों आए खाली परमार्थ है और कोई स्वार्थ नहीं इन संतों का नानक दास जी का भी कोई स्वार्थ नहीं है क्षेत्र का विकास हो कबीरदास जी के नाम पे सरोवर बने ये स्वार्थ है बाली अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं है जितने भी संत यहाँ मंच पे बैठे हैं इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसलिए कबीरदास जी ने कहा है तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षण में परमार्थ रे कारण यहाँ चारों धारी दे और कोई काम को नहीं है नानक दास जी परमार्थ रे काम आज काम कर गया है और मेरे को भी बुलाया संतों को भी बुलाया
और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। रात्रि को भी आपका सुंदर एक जागरण मेरे को समझ में आया, लोगों ने कहा बहुत सुंदर जागरण था। ते जागरण में आ गए गए अटे और हेली यहाँ गई गई सतपाल जी हैं हेली मां भी किस चीज का वहां सुना दिया पहला मैंने हेली मारी निर्भय रह जाए। क्या क्या चीजें हैं कबीरदास जी ने कही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए नानक दास जी को कहता हूं कि नानक दास जी ऐसे ही आप इस क्षेत्र का विकास करते रहे। आप अपने आप को अकेला नहीं समझें, आप कबीरदास जी के उस मंत्र को, सद्भावना के मंत्र को, पाखंड तोड़ने के मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आपके पूरे रास्ते में, पूरे कार्यक्रम में हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार, मैं आपसे अर्ज करूं कि आप जो कि मां राग रे मायने एक गीत हुनायो जो को देश में गायो, लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ आप सुवरज करूं। देखो मारी छूत पर ब्रह्मान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा गुरुदेव दया करे। और ई तरीका री छाबरी राज्य के आपरे डूंगरी बने कबीर आश्रम एड़ा आश्रम देश भर में बनता रहे। एक में केंद्र सरकार रहा अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से एक निवेदन फेरू करनी चाहूं। मैं तो कुछ जीव हो रो वेगो मारवाड़ी में एक ही शब्द है जीव हो रो वेगो। और मैं को आप तो मैं आपने गारंटी हूं कि माननीय भारत का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी नरेंद्र भाई मोदी जी आपने आवेला और कहवेला के मेघवाल साहब माने मारवाड़ी ही कहो तो मारवाड़ी ही का आप कनु आवेला। और मैं को आप अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप और इनू पहले ओबामा मजी बेज केवेला अर्जुन जी माने मारवाड़ी ही कहो तो मैं अर्जुन जी मेघवाल साहब रो घने घने मानसू हार्दिक स्वागत करूं। और एड़ो हिमताराम जी बांबू अरे साहब आप कहीं कहीं रूम खड़वाते करो मर पान जी शर्मा मेरे साथ आए हुए इन्होंने अपने पोते का नाम कबीर रखा है इनका भी स्वागत करो आप हनुमान जी पर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल साहब और दूर दूर से और पूरे भारत भर से पधारे हुए हमारे संत महापुरुषों और आसपास और पूरे राज्य भर से पधारे हुए भाई और बहनों और साथियों, जब पर्यावरण के लिए जो एक कविता लिखी हुई है वो दो चार लाइनें आपको मैं सुनाता हूँ। हाँ, पर्यावरण का जो सम्मेलन में पर्यावरण का भी एक अंश है, जब इस छाबरी डोंगरी पर जब नानक दास जी महाराज से जुड़े आज से 8-10 साल पहले जब ये नागौर में पढ़ते थे, इसके बाद से जब नानक दास जी ने जो धीरे धीरे यहाँ आकर के बिल्कुल सुनसान जगह थी और इसके जो विकास किया और जो इन्होंने रात दिन मेहनत करके और जब कबीरदास जी के सारे इन्होंने जो ये विकास हुआ, मैं कबीर ये नानक दास जी महाराज का नमन करता हूँ। मैं आरे बाया पेड़ाने हो बाया पेड़ाने मत काटो रे जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे बिना काम धरती माता की क्यों थे मांगे उजाड़ो ओ बिना काम धरती माता की क्यों थे मांगे उजाड़ो अरे याद आवे हरियाली नामी काल पड़े गोरे गाड़ो रे बाया पेड़ाने मत काटो रे जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे उसे सब मिलकर डांटो रे पेड़ लगावो सबसे आछोर मोगोर भाया पेड़ाने मत काटो रे जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे उसे सब मिलकर डांटो रे बिना चारा के पशु मरेला पड़ जावे लो घाटो पेड़ काट मत पड़ो कुआ में बांध गले रे भाटो रे भाया पेड़ाने मत काटो रे जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे उसे सब मिलकर डांटो रे पेड़ा खातर सी
किस कटाया खेजड़ ली रे माई, आखिर राजा माफी मांगी मैं फेर काटू लर नाई रे भाया, पेड़ा ने मत काटो रे जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे, उसे सब मिलकर डांटो रे, और जीव जंतुरी रक्षा कर लो मत राखो मन काटो। अरे इम तो बामू यूं समझावे थे अड़गा क्यों थे नाटो रे भाया। आज की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा रामू राम राड़ जो अभी इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग किया है, रामू राम राड़ गोगड़ाव से, वो अपना साहब की तरफ से प्रशंसा पत्र प्राप्त करें। आपकी तरफ से भंडारा की प्रसादी है कबीर साहब के इस भंडारे पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारो। दयान मकान बनाया है संतों का, रात को विश्राम था, आपने भी इस कार्यक्रम में विशेष आर्थिक सहयोग दिया 51,000 रुपए का, इसके लिए बहुत बहुत भाई सुरेश जी को धन्यवाद। साथ में ओम प्रकाश जी डोगीवाल दोनों बता रहे नानक दास जी महाराज मूर्ति और छतरी 5,00,000 रुपया कबीर जयंती समारोह में सहयोग करने वाले लोगों का सम्मान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी कर रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को आज सदगुरु कबीर साहब की 618वीं जयंती विशाल सर्वधर्म सम्मेलन पर्यावरण सामाजिक समरसता नशा मुक्ति पर ये आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त मंत्री जी अर्जुन राम जी मेघवाल साहब पधारे, इस हमारे सभी संत महात्मागण पधारे, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी छोटी सी एक पुकार पर आप बड़े दूर से पधार करके और ये गागर में सागर भर दिया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऊपर आए और हम और ये सड़के का निकाम हुआ, यूनुस खान जी का विशेष आशीर्वाद रहा कि ये सारे काम हो गए और आगे के लिए होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फादर राम राम गणो गणो। अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं और केंद्रीय मैं आपसे एक निवेदन करूं, स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है साहब समुद्र सिंह जी एवरेज 17-18 घंटा जप करता है। मैं अर्जुन राम जी बोलो शॉर्ट में आपने कहना चाहूँ मैं स्मृति चिन्ह प्रदान किया, आपने सीधी साधी भाषा है करट और स्थाई है आचार्य प्रमोद जी महाराज को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। मैं एक आश्रम समझो क्यों समझो कबीर साहब और करे अतिथिगण आप देख रहे हैं संत नानक दास जी महाराज के कक्ष पे पधारे हैं। अब आप देख रहे हैं संत कबीर दास जी महाराज की जयंती का अमृतमय प्रसाद सभी ग्रहण कर रहे हैं। बड़ी खाटू के संत कबीर आश्रम का दृश्य आप देख रहे हैं। 618वीं कबीर दास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भंडारे में तमाम अतिथिगण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये भंडारे का दृश्य आप देख रहे हैं संत सतगुरु कबीर आश्रम में आयोजित कबीर दास जी की जयंती का भंडारा इस समय चल रहा है और सभी आप देख रहे हैं एक ही जाजम पर बैठकर ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सभी मंत्री जी से बातचीत कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए कार्य हेतु तत्पर रहते हैं। नागौर जिले के बड़ी खाटू में आज संत कबीरदास जी महाराज की 618वीं जयंती प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। दो दिवसीय कार्यक्रम में कल रात्रि में भव्य रथ यात्रा निकाली गई और भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बालकनाथ जी महाराज के सानिध्य में सुंदर कार्यक्रम हुआ। आज जो कार्यक्रम था उसमें अनेक संत महात्मा गण पधारे, एक नेता भी पधारे, लेकिन मैं उनको नेता से ज़्यादा संत ही मानता हूँ क्योंकि अगर कबीरदास जी महाराज के पद चिन्हों पर कोई चलने वाला वर्तमान में नेता है
बोलता हूँ। निश्चित रूप से मैं अर्जुन जी मेघवाल को मानता हूँ। भारत के माननीय वित्त राज्य मंत्री इस समय हमारे साथ है, बातचीत करने का अवसर मिला है। सबसे पहले सत सत नमन आपको करता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज रहा और बहुत सारे संतों के सारिध्य में कार्यक्रम रहा, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, नानक दास जी का आग्रह था कि मैंने कबीर जी के नाम पे एक आश्रम बनाया है और वर्तमान सरकार कबीर दास जी को महत्व भी देती है और उनके जो आश्रम हैं उनका उनके मॉडर्नाइजेशन और उसके सुधार के लिए भी कार्यक्रम हाथ में लेती है। मगर का जब से सुना, मगर वो स्थान है जहाँ कबीर दास जी ने अंतिम सांस ली थी और उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान मोदी सरकार ने उसके लिए एक टूरिस्ट सर्किट बनाया है जिसमें काशी, गोरखपुर, कुशीनगर, मगहर और वहाँ नानक देव जी भी गए थे, उनका भी एक गुरुद्वारा है। उन स्थानों पर टूरिस्ट लोग जाएं और कबीरदास जी को समझाएं कि पाखंड को तोड़ने में जीवन पर्यंत कबीरदास जी संघर्ष करते रहे और लोग अंत समय में काशी जाते थे और उन्होंने काशी छोड़ करके मगर गए और उन्होंने कहा मैं इस ब्रह्म को, इस मिथक को तोड़ना चाहता हूँ कि किसी स्थान विशेष से कोई स्वर्ग और नरक नहीं मिलता, स्वर्ग और नरक कर्म से मिलता है। इस मिथक को तोड़ने का कबीरदास जी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, एक काम किया था। उस स्थान को देखने मैं खुद भी गया, मगर हमारे साथ हमारे जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्री है महेश शर्मा जी, वो भी थे और वहाँ उसी समय घोषणा हुई थी। तो आज जो मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ कबीरदास जी का आश्रम है, यहाँ पर कबीरदास जी के नाम पर एक सरोवर की स्थापना करना चाहते हैं नानक दास जी, और मैंने कहा है आप प्रोजेक्ट बना करके भेजिए, हम संस्कृति मंत्रालय से इसको मंजूर करवाएंगे। क्योंकि कबीरदास जी ने जो भी पाखंड था उसको तोड़ने का बड़ा काम किया है और सादगीपूर्ण जीवन जिया है। वो संत शिरोमणि भी थे और भारत के महान सपूत थे कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार बढ़ाने में, जिसको आम सगुण और निर्गुण दो भागों में थी और चाहे वो निर्गुण पंथ के वाहक रहे हों, लेकिन भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में कबीरदास जी का अतुलनीय योगदान है। सर, प्रदूषण को रोकने में आपसे बड़ा उदाहरण देश में कोई देखने को नहीं मिला। आपने लगातार संसद में साइकिल से यात्राएं की और अगर हम यहाँ बड़ी खाटू की बात करें तो यहाँ जल संरक्षण के लिए भी कार्य हो रहा है। वर्तमान में देखते हैं भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएँ होती है लेकिन जमीनी स्तर पर वो अमली जामा नहीं पहन सकती क्योंकि भारत के नागरिक हैं वो इस मुद्दे पर जागरूक नहीं है। आज इस मौके पर आप क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, कबीरदास जी भी जब संदेश देते थे तो जन भागीदारी, उनके शिष्य बहुत मात्रा में होते थे, जो उपदेश देते थे उनका प्रचार प्रसार करते थे, अच्छी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हो और भागीदारी निभाएं। जैसे सरोवर का काम हो तो कार सेवा करें, नागरिक भी और भारत सरकार भी अपना सहयोग देगी, आर्थिक सहयोग देगी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में उसमें भी वाटर रिचार्ज करने के कई प्रोग्राम हाथ में लिए गए हैं। मैं इस अवसर पर कबीरदास जी के जयंती के अवसर पर कहना चाहूँगा कि जन भागीदारी निभा करके भारत सरकार जो कार्यक्रम हाथ में ले रही है उनमें अपना योगदान, यहाँ के नागरिक भी अपनी कार सेवा के माध्यम से, अपने श्रम के माध्यम से, जिससे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे आपने जिक्र किया मैं साइकिल से संसद जाता था, मैं कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए संसद साइकिल से जाता था। अभी हमने 5 जून को बीकानेर में एक साइकिल यात्रा भी निकाली। तो प्रदूषण कम हो और नेक्स्ट जनरेशन को भी ये हरी भरी धरती मिले, हरी भरी धरती माता मिले, पूरा पानी मिले, इसके लिए हमें कोई न कोई पर्यावरण संरक्षण के काम में हाथ बंटाना ही चाहिए। सर, एक सवाल महत्वपूर्ण सवाल आपके डिपार्टमेंट से संबंधित है। अगर आपके सरकार की बात करें, पिछले जो वर्षों में कार्य हुआ उसमें अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा रहा तो वो नोटबंदी का रहा, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट से संबंधित मुद्दा है। तो उसमें कहा गया था कि इसमें आतंकवाद बंद हो जाएगा, उसमें महंगाई कम हो जाएगी, बहुत सारी भ्रष्टाचार की चीज़ें कम हो जाएगी। आपको लगता है कि ये लक्ष्य प्राप्त कर सके गवर्नमेंट अब तक? आपको नहीं लगता महंगाई पे कितना नियंत्रण रहा है? और जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य हमारा था, समानांतर अर्थव्यवस्था, ये देश 2 नंबर का नहीं है, देश 1 नंबर का है। कुछ लोग समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहे थे। ये नोटबंदी के बाद जब डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ उससे सबसे बड़ी चोट पड़ी है और जब वो समानांतर अर्थव्यवस्था समाप्त होगी तो जीडीपी भी बढ़ेगा, टैक्स बेस भी बढ़ेगा। अभी 91 लाख हमने नए करदाता भी जोड़े हैं
जब टैक्स बेस बढ़ेगा तो गांव में जो पानी बिजली जो ये समस्याएं आधारभूत ढांचे की है वो सारी दूर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, अभी देखा जा रहा है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, एक और जहाँ किसान एक एक दो दो लाख के लोन वाले किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और वहीं 9,000 करोड़ डकारने वाला व्यक्ति इंग्लैंड में बैठकर मैच देख रहा है, उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, किसानों के लिए मोदी जी के जो नीतियां हैं बहुत सी हमने इंटरवेंशन किए हैं और एक बड़ा लक्ष्य हमने हाथ में लिया, 2022 तक किसानों की आमदनी डबल करेंगे। हम सोइल टेस्टिंग से लेकर के ई नाम ई मंडी तक की व्यवस्था कर रहे हैं, बीच में जितने भी इनपुट हैं उनको सबको ठीक कर रहे हैं, किसानों को सक्षम बना रहे हैं। किसान हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी का विषय है। अनेक संत महात्माओं का सानिध्य कबीर जयंती के इस महोत्सव में देखने को मिला, आचार्य प्रदीप महाराज श्री का सानिध्य यहाँ पर रहा और बहुत ही अच्छी जो सामाजिक समरसता की बात आपने कही वो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के गले उतरने वाली बात है, और अगर इस चीज़ पर हम अमल कर लें तो देश में जो वर्तमान में परिदशा बनी हुई है उसे छुटकारा मिल सकता है। महाराज जी, सबसे पहले सत नमन आपको, कितनी बड़ी उपयोगिता है कबीर जयंती महोत्सव की आज के इस परिवेश में? देखिए, सैकड़ों साल पहले जो कबीर का मत था, जो उनका विचार था, वो आज भी प्रासंगिक है। उनके जो शब्द हैं, साखी हैं, वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि मुझे लगता है कि उनके जाने के सैकड़ों साल बाद आज भी, और जब तक ये दुनिया और इंसानियत और मानवता रहेगी तब तक कबीर जिंदा रहेगा। अफसोस इस बात का है कि लोग कबीर को पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, लेकिन कबीर को ज़िंदगी में नहीं उतारते। उसका नतीजा ये है कि आज इंसान इंसान का दुश्मन बन रहा है। लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों को भूल गए। जो हमारे देश के हालात हैं उनमें कबीर बड़ा कारगर सिद्ध हो सकते हैं, बशर्ते कि लोग कबीर को सुनने और पढ़ने की बजाय अपनी ज़िंदगी में उतारना शुरू कर दें। अगे एक बात, सही बात अगर विचार करें तो धार्मिक हिंसा से ज़्यादा वर्तमान में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही है, लूटपाट की घटनाएं ज़्यादा हो रही है, इसको तो हम धर्म से नहीं जोड़ सकते, इसका मूल कारण क्या है और इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? देखिए, जब इंसान अपनी इंसानियत से दूर चला जाता है तो शैतान हो जाता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि तुम नफरत करो या किसी के हक को मारो, किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती करो, किसी के दिल को दुखाने की इजाज़त धर्म नहीं देता, चाहे उसमें स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन उल्टा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो धर्म की बातें लोग कर रहे हैं वो होंठों से कर रहे हैं, हलक से कर रहे हैं, दिल से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए धर्म की यात्रा धंधे में परिवर्तित हो गई है। तो अगर सच में धर्म लाना है और सच में इस देश में धर्म स्थापित करना है, उसकी पुनर्स्थापना करनी है, तो हमें मोहब्बत का पैगाम देना पड़ेगा, इंसानों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, पेड़ पौधों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, नदियों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, पूरी कायनात से मोहब्बत करनी पड़ेगी। आज आदमी इतना निकम्मा और नालायक हो गया है कि वो अपने मतलब के लिए दूसरे का गला काट देता है। उसका परिणाम यह है कि तमाम देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, लोग झूठ को सच समझ रहे हैं, इतनी तरह अच्छी तरह झूठ बोल रहे हैं कि झूठ और सच में फ़र्क ख़त्म हो गया। हम रोज़ एक नया झूठ सुनते हैं और वो झूठ ऐसा लगता है जैसे ये अब का झूठ सच होगा, फिर झूठ आता है, फिर लगता है वो झूठ गलत था, ये झूठ सच होगा, लेकिन उस सच की तलाश में हम रोज़ एक धोखा खा रहे हैं। तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को, पूरे राजस्थान के नेताओं को, तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं है,
प्रेम से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है। अगर तुम परमात्मा से प्रेम करते हो, उसकी पूजा करते हो, उसकी इबादत करते हो, तो उसके बंदों से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर आप परमात्मा को पूजते हैं, परमात्मा के बंदों से प्रेम नहीं करते हैं, तो आपकी पूजा व्यर्थ है, आपकी इबादत बेकार है। इसीलिए मैंने कहा कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। धोखे की इस दुनिया में अगर हम प्रेरणा की बात करें, तो जिस स्थान पे हम पावन स्थान पे बैठे हैं, संत नानक दास जी महाराज एक युवा संत, जिस तरह का मिशन लेकर वो चले हैं, वो कितना प्रेरणादायी है आज के युवाओं के लिए? बहुत अच्छा है। इस युग में जब संत थोड़े थोड़े दिखाई तो देते हैं, लेकिन जब नज़दीक जाते हैं तो वो कुछ और ही नज़र आता है। तो ऐसे दौर में जहाँ संत बहुत मुश्किल है मिलना, वहाँ नानक दास जी एक अच्छे संत हैं और वो सेवा कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि परमार्थ और सेवा, यही धर्म है। तो नानक दास जी का समर्थन हम करते हैं, भारतीय संत समिति के तरफ से भी, श्री कल्की धाम की तरफ से भी, और मैं पूरा समर्थन करता हूँ। और उनके जो कार्य हैं, उनका जो मिशन है, जैसे कीर्ति स्तूप बनाना, स्तंभ बनाना, सरोवर बनाना, जन कल्याण की तमाम और योजनाओं पर उनका बड़ा उनका मन है कि वो आगे बढ़ाएंगे। वृक्षारोपण के लिए उनका जो मिशन है, पेड़ इतने कम हो गए कि अगर पेड़ ऐसे ही कटते रहे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं संत नानक दास जी का समर्थन करता हूँ और इस पवित्र भूमि को प्रणाम और नमन करता हूँ। नमन महाराज जी, आपको भी बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि प्रकृति से अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। प्रकृति हमें बचाती है और हमें प्रकृति की रक्षा करनी है। और निश्चित रूप से आचार्य श्री के इन वचनों को अगर हम आत्मसात करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे देश का वो सपना पूरा हो सकता है जिसको हम देख रहे हैं। और अब हमारे साथ स्वामी जसमेर कल्याणकारी जी महाराज हैं। आज के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से दिव्य संतों का समागम हुआ, और जिन लोगों ने यहाँ पर इस श्रद्धा की गंगा में डुबकियाँ लगाई हैं, वो निश्चित रूप से अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। आई महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले सत्सत नमन आपको। मैं वही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आज के इस परिवेश में कबीरदास जी के महाराज के दोहों का, उनके विचारों का कितना महत्व है? आज के इस दौर में अगर इस दुनिया को कहीं रास्ता मिलना है, अगर कहीं शांति मिल सकती है, समाज का धरातल पर बसेबा हो सकता है, तो कबीर जी के विचार पे चल के ही हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि युवनों भी कबीर जी के विचारों पे ही टिका हुआ है, क्योंकि कबीर जी उस वक्त जब पूरी तरह से जात पात और धर्म में देश बटा हुआ था, तो भी उस टाइम बोले थे और आज भी वो उसी पर कायम हैं। समाज धर्म और जाति पाति से ऊपर उठ के कबीर जी बोले हैं, इसलिए हम उनके इस रास्ते पर चल रहे हैं और सभी से ये गुजारिश करते हैं कि सभी उसी के मार्ग को पकड़ के आगे बढ़ें, तभी व्यक्ति इस समाज के अंदर एकता बना सकता है। नमन महाराज जी, और ये दो कहीं ना कहीं चरितार्थ पे होता है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आज हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं और अपने विचारों पर भी अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर कबीरदास जी महाराज के दोहों पर थोड़ा सा भी अमल करें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन की धारा को बदल सकते हैं। भारत के महान संत, महान कवि, समाज सुधारक कबीरदास जी महाराज की 618वीं जयंती खाटू धाम के सतगुरु कबीर देव आश्रम में आयोजित की गई, जिसमें नानक दास जी महाराज के पावन सानिध्य में एक भव्य कार्यक्रम हुआ। और मैं दावा कर सकता हूं कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन जी मेघवाल पधारे, राष्ट्रीय स्तर के दो ऐसे संत पधारे जिनमें आचार्य प्रदीप जी, जिनको हम बड़े बड़े टीवी चैनल के डिबेट में देखते हैं, और साथ में हरियाणा से भी एक संत पधारे जो निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े नेताओं को मार्गदर्शित करते हैं। ऐसे संतों का आगमन निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रेरणादायी था और इस कार्यक्रम को गौरवमय बना रहा था। एक युवा संत नानक दास जी महाराज जो इस निर्धन स्थान पर आकर विराजमान हुए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लोग क्या यहाँ पशु पक्षी तक नहीं आते थे, ऐसे स्थान पर आकर आज महाराज जी ने इस क्षेत्र को बिल्कुल जंगल में मंगल को चरितार्थ करने वाले साबित कर दिया है। और आज जो संत यहाँ पर आए, उन्होंने महाराज जी के प्रकल्प की, महाराज जी के प्रयासों की बहुत सराहना की है। आइए कबीर जयंती के इस पावन अवसर पर
परम पूज्य नानक दास जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले नानक जयंती की आपको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और एक भव्य कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कितना अच्छा लगा इतना भव्य कार्यक्रम, क्योंकि कड़ी मेहनत की गई थी आपके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए। ऐसा है कि सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में बहुत बड़े महान संत हुए, जिनको पूरी दुनिया जानती है, और उस ज़माने में इतने कोई कॉलेज डिग्रियां शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं था, लेकिन उन्होंने आत्मज्ञान करके और पूरी दुनिया को कब्जे में किया, मुट्ठी में किया, उनके लोग पीछे अध्ययन करके और पीएचडी डिग्री प्राप्त करते हैं, डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो ऐसे महान संत की जयंती हमें सब लोगों को मिलजुल के मनानी चाहिए। और ये खाटू जो क्षेत्र है, ये हमारा एक इलाका है, धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे संबंधियान बाबा साहब है, सूफी संतों की परंपरा में है, खाकी बाबा है, इधर यमुना पीर साहब है, दीप नारायण भगवान है, ऐसे कई संतों की समाधियाँ पहले से इसमें है। और इस पवित्र भूमि में छापरी डूंगरी मैंने इसलिए चुना कि ये जगह डरावनी जगह थी, इतना भय था इसमें कि दिन को भी रात को लोग आते भी नहीं थे, और आसपास में घर जमा ही रहते हैं, यहाँ पर खेत में वंश खत्म हो गया। और उस डूंगरी पर हमें सदगुरु कबीर साहब की झंडा रोपा और आज ये इस स्तर पहुँच गए। और आगे ये है कि हमारा प्लानिंग है कि कबीर साहब का जो संदेश है हम जन जन तक पहुँचाएंगे, उसको पहुँचाने के लिए हम सारे लोगों को इकट्ठा करने का एक माध्यम बनाते हैं, सत्संग है, भजन है, प्रवचन है, हम नेताओं को बुलाएंगे, संतों को बुलाएंगे, तो इसके माध्यम से लोग आएंगे, फिर हम एक उनको प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। जैसे आज यहाँ आए तो हमारे प्रमोद जी महाराज आए, जो बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, धर्म क्या है उस धर्म के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से लोगों को बताया। और हमारे केंद्र के वित्त मंत्री जी, जो कबीर साहब के ऊपर पूरा का पूरा उनका ध्यान आकर्षित है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी योजना के तहत काम करने जा रहे हैं आगे आने वाले समय में, कि कबीर साहब के नाम पर ये गरीब आश्रम क्यों है इस भारत में, जब भारत के इतने महान संत हुए कबीर साहब, इनके आश्रम जो है, इनका निवास स्थान जो है, इनका समाधि स्थल है, इतना गरीब क्यों है, पिछड़ा हुआ क्यों है। तो आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और मोदी जी सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दे करके और अरबों रुपए का इन्होंने बजट तैयार किया है। आने वाले समय में साहब ने कहा है कि आप ऐसी प्लानिंग तैयार करो कि जहाँ ये काम हो जाए। तो हमने एक कबीर सरोवर का कार्य शुरू किया है, जो कबीर सरोवर एक संत के नाम से है, जो भारत का पहला कबीर सरोवर बन रहा है। साथ साथ में हमारे कबीर कीर्ति स्तंभ बना रहे हैं, जो अभी तो भारत में कहीं बना हुआ नहीं है, और वो भारत में नहीं, पूरे देश में, दुनिया में कहीं पर भी नहीं बना हुआ है, ऐसे महान विभूति संत का दी। तो हमने वो प्लानिंग बना करके पेश की है। तो अर्जुन जी ने ये तय कर दिया कि भाई महाराज जी 2022 तक हम पूरा तैयार करके और कबीर कीर्ति स्तंभ यहाँ बना देंगे, पूरा बजट देने की घोषणा करेंगे। और आज इन्होंने इस आश्रम के विकास के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की है। माननीय सीआर चौधरी साहब पिछली बार कबीर सरोवर के शिलान्यास में उन्होंने 10 लाख रुपए अपने सांसद कोष से दिए हैं, और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने भी 4.5 लाख रुपये दे के कार्य शुरुआत की है। इसके लिए मैं सरकार को, ऐसे सभी अधिकारियों को, सभी समाज के बंदों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बहुत अच्छा दोहा है जो महाराज जी पर बिल्कुल चरितार्थ होता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। इतने सरल हृदय, इतने मृदुल स्वभाव के हैं कि कोई संत हो या नेता हो, अगर महाराज जी एक बार आने का निवेदन कर दे तो कोई मना नहीं कर सकता है। अर्जुन जी मेघवाल केवल एक निवेदन पर यहाँ पर पधारे हैं, जो बड़े बड़े कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं, और जिन संतों को यहाँ पर बुलाया नहीं गया था नानक दास जी के नाम से, वो भी यहाँ पर पधार गए, एक बहुत बड़ी चीज़ है। महाराज जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने देखा कि आपके इस मिशन से युवाओं का बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, तो अन्य लोग, अन्य युवा भी जुड़े, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बाबा रामदेव जी महाराज जी को कि इस हमारे भारत में योग का प्रचार किया। वैसे योग तो शुरुआती काल से चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे कबीर साहब की परंपरा में ये सहज योग की परंपरा है, और सहज योग में हम योग के अभ्यास करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं, उस ध्यान से आदमी को शांति महसूस होती है, शांति मिलती है। इसलिए हम युवाओं को ये अपने चरित्र अच्छा निर्माण करने के लिए हम उनको योग सिखाते हैं, उनको हम चरित्र निर्माण के लिए उन्हें हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का संस्कार देते हैं, और बच्चों को यहाँ निःशुल्क में पढ़ा लिखा करके उनका विकास के लिए मैं यहाँ पूरी तैयार पलनी से उनका आगे विकास करवाता हूँ। बालकनाथ जी महाराज, जो कि बड़े बड़े कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संत, और बहुत ज़्यादा समय महाराज जी उन्होंने आपको दिया, और वो बार बार आपके चरणों को छू रहे थे, ये कितना गौरवशाली था आपके लिए। हाँ, इस बात को मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि इस बार जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये अचानक हुआ है, और मुझे ये पता नहीं था कि ये लोग आ जाएंगे क्या। मैंने निवेदन किया, मेरे ध्यान में आया कि अब की बार आचार्य प्रमोद जी को बुलाना है, मैंने निवेदन किया और उन्होंने हाँ भर ली। मैंने अर्जुन जी को निवेदन किया, उन्होंने हाँ भर ली।
और इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसमें हमारे बालकनाथ जी महाराज जो कहीं उनको समय नहीं मिलता है, वो रात और दिन गायों की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा 24 घंटे की जगह 48 घंटे उन्होंने सेवा दी है, यहाँ रुके गए हैं और उन्होंने बहुत ये चमत्कार हुआ है पहली बार। और कबीर जयंती का अगर हर साल मनाता हूँ, इस बार सारे जो संत आए, सारे के सारे VIP संत आए और सारे के सारे एस्कॉर्ट वाले आ गए, मतलब पूरा प्रशासन का ध्यान हो गया कि घाटू में कबीर जयंती का कार्यक्रम हो रहा है और पूरे तहसील में नहीं, जिले में नहीं, बल्कि पूरे भारत में ये कार्यक्रम एक विशेष श्रेणी में आएगा कि कबीर कीर्ति स्तंभ या कबीर सरोवर और कबीर जयंती पर जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ है, ये हमारी सबसे बड़ी गरिमा रही हमारे माननीय वित्त मंत्री जी अर्जुन राम जी मेघवाल साहब की, इन्होंने इस कार्यक्रम की सभा बढ़ाई है। बहुत बहुत मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जितना भी कार्य हो रहा है इस युवा व्यक्तित्व की सरलता के कारण हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही साधारण से इस मकान में आप रहते हैं, अकेले रहते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, जल संरक्षण का कार्य करते हैं, पर्यावरण बढ़ाने का कार्य करते हैं, सामाजिक समरसता का कार्यक्रम करते हैं और अगर आपके मन में भाव सच्चे हैं तो भगवान भी आपके सामने झुक जाता है, ये तो नेता है, ये तो संत है। और मैं निश्चित रूप से अंतरात्मा से नानकदास जी महाराज को नमन करता हूँ, क्योंकि मैं केवल 2 साल के लिए इनसे जुड़ा था और मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता, मेरी माँ का देहांत हो गया था और एक फ़ोन पर आप स्वयं आए थे और भजन संध्या में पूरी रात तक आपने वक्त दिया था। उस दिन मैंने देखा कि संत तो हो तो ऐसा हो जिसके मन में कोई भाव नहीं कि बड़ा है या छोटा है, ये अमीर है या गरीब है, ये इस वास्तव में संत है। और आज नानक जयंती के कबीर जयंती के इस कार्यक्रम में नानकदास जी महाराज ने जिस तरह से सभी का स्वागत सम्मान किया, हम सुन रहे थे प्रमोद जी कह रहे थे कि मैं आने के बाद मेरा 5 बार स्वागत हो चुका है, पहले मैं जब आया उस समय स्वागत किया गया, फिर मैं हाईवे पर आया तो स्वागत हुआ, फिर रथ के पास आया तो स्वागत आया, यहाँ आने पर स्वागत किया गया। तो संतों को तो श्रद्धा चाहिए, संतों को सम्मान चाहिए और वो सम्मान नानकदास जी के पास बहुत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराज जी में भगवान की कृपा यूँ बनी रहेगी और इस क्षेत्र जैसा कह रहे हैं कि ये डरावना क्षेत्र था या कोई आने से डरता था, आज हजारों लोग आ रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि लाखों लोग इसे जुड़ेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, क्योंकि कबीर दास जी के दोहों के पीछे ये छुपा है कि हम मानवता इंसानियत का धर्म अपनाएं जो सबको सुख और शांति देता है। ऐसे इन सुधागले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। कबीर दास जी महाराज की 618वीं सदगुरु कबीर जयंती के उपलक्ष्य में स्मारिका का विमोचन किया गया और इसका संकलन पूरा नानकदास जी महाराज ने किए हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के संदेश है। मैंने देखा सबसे बड़ा संदेश भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का है, आप देख सकते हैं उन्होंने शुभकामनाएं दी है नानकदास जी महाराज को और ये आप देख रहे हैं और अर्जुन जी मेघवाल ने तो शुभकामनाएं दी है, खुद स्वयं यहाँ पर पधारे हैं और मुझे उम्मीद है कि जब स्मारक बन जाएगा और उसके उद्घाटन के लिए निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी जरूर पधारेंगे, बाबा रामदेव जी का, यूनुस खान जी का, और यूनुस खान जी खुद नहीं आए तो उन्होंने अपने पीओ को यहाँ पर भेजा कि कहीं नानकदास जी महाराज को ये नहीं लगे कि पधारे नहीं। और इसमें इस आश्रम की गतिविधियों के बहुत सारे चित्र और बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। आम लोगों से जुड़े रहने वाले संत हैं नानकदास जी महाराज, स्मारिका का विमोचन किया गया है कबीरदास जी महाराज की 618वीं जयंती पर और तमाम अतिथियों के द्वारा इसका विमोचन किया गया, तमाम गतिविधियां इसमें प्रकाशित की गई है। जो कार्यक्रम जो मिशन आयोजित हो रहा है उसकी तमाम जानकारियां, जिसमें सबसे बड़ा स्वच्छ पर्यावरण पौधारोपण जैसे मिशन है